डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू गेट वे टू सक्सेस। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन में आप अपनी तैयारी को और अच्छा मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी ने अपना कैलेंडर रिवाइज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में वो एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जा रहे हैं। हालांकि अभी कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है इंडिया में, उसका पीक अभी तक नहीं आया है और अभी भी चीज़ें अनिश्चित हैं कि यह कब तक कंट्रोल में होगा। फिर भी एज पर दी न्यू अपडेट जो भी एसएससी की है वेबसाइट पर, उसके हिसाब से आपको अभी यही मानकर चलना होगा कि सितंबर के फर्स्ट वीक में वो जूनियर इंजीनियर 2019 का एग्ज़ाम करा लेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिस पे अक्सर बहुत कम बात की गई है। पिछला लेक्चर जो था, उस लेक्चर में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया था और लंबा डिस्कशन किया था। इसी तरीके से हम आज के भी इस टॉपिक में एक डिस्कशन जो करने जा रहे हैं, वो एक ब्रॉड वे का डिस्कशन होगा। और एक नई बात सबसे अच्छी ये होगी इस डिस्कशन में कि हम आज के डिस्कशन में ना केवल टॉपिक की बात करेंगे, हम उस पे जो मोर्थ की गाइडलाइंस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के स्पेसिफिकेशंस की गाइडलाइंस हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज हाईवे कंस्ट्रक्शन की, और इस हाईवे कंस्ट्रक्शन में हम बात करने जा रहे हैं एम्बैकमेंट की। इस विषय पर आज हमें बात करनी है, साथ में हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के स्पेसिफिकेशंस भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जब भी कभी कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो वो काफ़ी ब्रॉड प्रोसेस है एक, तो उसे कई स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो सबसे पहला स्टेप्स होता है हाईवे कंस्ट्रक्ट करने का, वो होता है एक एम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन करना। एम्बैकमेंट क्या है, कैसे काम करता है, उसकी डिज़ाइन क्या है, उसको बनाते कैसे हैं, उसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं, ये हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा एक स्टेप होता है हाईवे कंस्ट्रक्ट करते समय एक सबग्रेड का कंस्ट्रक्शन करना। हालांकि 1 एंड 2 बोथ आर इंटरलिंक्ड। जनरली कई लोगों का कहना है कि एम्बैकमेंट जो है उसका टॉप मोस्ट पोर्शन ही सबग्रेड होता है, पर कई केसेस में देखा गया है कि ये दोनों ही अलग तरीके से पढ़े जाने चाहिए। थर्ड, जो हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस में थर्ड जो बात होती है, वो होती है बेस बनाना या सब बेस का कंस्ट्रक्शन करना, एज द केस में भी। और चौथा, सबसे आखिरी में जो है हाईवे कंस्ट्रक्शन के दौरान, एक्चुअल पेवमेंट स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी कि चाहे वो फ्लेक्जिबल पेवमेंट हो या फिर वो रिजिड पेवमेंट हो, फ्लेक्जिबल पेवमेंट जनरली बिटुमिनस रोड जो आप देखते हैं, और रिजिड पेवमेंट जनरली सीमेंट कंक्रीट के जो आप रोड देखते हैं। इन दोनों ही रोड में जो आपको टॉप में दिखाई देता है, बिल्कुल टॉप में दिखाई देता है, उसे हम जनरली क्या कहते हैं, हाईवे की भाषा में हम लोग उसे पेवमेंट कहते हैं, पेवमेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यानी एक रोड बनाते समय ये चार चीजें बनानी पड़ती हैं, 1 इज द एम्बैकमेंट, 2 इज द सबग्रेड, 3 इज द बेस एंड सब बेस, 4 इज द पेवमेंट स्ट्रक्चर। अब इन सब चीजों में हमें आगे डिस्कस करना है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एम्बैकमेंट की। तो आइए जानते हैं कि एक एम्बैकमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन एम्बैकमेंट। एक्चुअली एम्बैकमेंट रिफर्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थन मटीरियल विच इज प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग द ग्रेड ऑफ रोडवे आर रेलवे अबव द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग सराउंडिंग ग्राउंड सर्फेस। यानी कि कहा जा रहा है
कि अगर ये एक नेचुरल ग्राउंड है और उस नेचुरल ग्राउंड का ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है, इफ दिस इज द नेचुरल ग्राउंड लेवल, देन जो भी पेवमेंट स्ट्रक्चर का हमें कंस्ट्रक्शन करना है उस पेवमेंट स्ट्रक्चर को हम नेचुरल ग्राउंड लेवल से एक सफिशियंट हाइट पर रख सकें, इस पर्पज के लिए वॉल्यूम ऑफ अर्थन मटेरियल, ये जो अर्थन मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, ये मटेरियल जो यहाँ प्लेस किया गया है और प्लेस करने के बाद इसको कंपैक्ट किया गया है, इसी को हम कहते हैं एम्बिकमेंट। ये पोर्शन कहलाता है क्या? एम्बिकमेंट। एम्बिकमेंट जनरली हम इसे फिल्स भी कह सकते हैं। ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं मटेरियल दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सॉइल, जनरली ये सॉइल के बनते हैं, बट ये आल्सो इंक्लूड करते हैं एग्रीगेट, रॉक और क्रस्ड पेविंग मटेरियल्स। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है कि एक ये नेचुरल ग्राउंड है जिसमें हमने एम्बिकमेंट कंस्ट्रक्ट किया है, यानी एक सॉइल को, अर्थन मटेरियल को यहाँ फिल और कंपैक्ट किया है स्टेप बाय स्टेप, देन उसके ऊपर हमने सबग्रेड बना के पेवमेंट स्ट्रक्चर बना रखा है। और आप यहाँ 3D इमेज में भी देख सकते हैं कि ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है और कैसे हमने नेचुरल ग्राउंड लेवल से एक सफिशियंट हाइट तक इसको उठाया और देन टॉप में हमने पेवमेंट स्ट्रक्चर बनाया। नाउ इस तरीके से इसको रेज करने का पर्पज क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ एम्बिकमेंट, व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग एम्बिकमेंट, तो देयर आर सम नेसेसिटीज, दो की हम यहाँ बात करने वाले हैं। पहला, मेक द सबग्रेड लेवल अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। महत्वपूर्ण क्या है, इसे हमें ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं उठाना है, हमें इसे ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर रखना है, सो दैट द वाटर कैन नॉट इंटर इनटू द रोड सरफेस, इनटू द पेवमेंट। यानी जो हम परमानेंट पेवमेंट बना रहे हैं, जो भी परमानेंट पेवमेंट हम बना रहे हैं, सपोज दैट दिस इज आवर परमानेंट पेवमेंट, सपोज दैट दिस टॉप पोर्शन इज द आवर परमानेंट पेवमेंट, सो वी यूजुअली डू नॉट वॉन्ट दैट द वाटर इंटर हियर, हम नहीं चाहते पानी यहाँ अंदर जाए, ठीक है। इसकी बाद में भी हम बात करेंगे आगे चल के, जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसके फेलियर की बात करेंगे, रिपेयर्स की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे कि वाटर किस प्रकार से अफेक्ट करता है इसको, तो जनरली हम ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी नेचुरल ग्राउंड लेवल है और जो भी ग्राउंड वाटर टेबल है, उन दोनों को देखने के बाद ही हम ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सपोज दैट इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज दिस, तो हमारा टारगेट यही होता है कि ग्राउंड वाटर टेबल से हमेशा ऊपर ही रहे सफिशियंट विड्थ। वाई ऊपर रहे, हम नेचुरल ग्राउंड लेवल से भी ऊपर क्यों करते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पर क्या होता है, रेनी सीजन पे जो रेनफॉल का वाटर है वो कलेक्ट होता है यहाँ पे, यानी जो भी ड्रेनेज होता है उसके कारण बेसिन में वाटर कलेक्ट होता है और वो कलेक्टेड वाटर भी इसमें इंटर कर जाता है, इसीलिए हम इसको जनरली ऊपर रखते हैं। दूसरा रीजन क्या है हमारा एम्बिकमेंट बनाने के पीछे, ताकि ये सेटिस्फाई करे वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, जो हाईवे का वर्टिकल अलाइनमेंट है, यानी कि अगर हम बात करें इस तरीके से, जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, अगर ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है रोड, तो इस अलाइनमेंट को भी हम क्या करते हैं, बना सकते हैं एम्बिकमेंट के थ्रू। यानी अगर हम नेचुरल ग्राउंड लेवल पर रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम वर्टिकल अलाइनमेंट सेटिस्फाई नहीं करा सकते, लेकिन जब हम क्या करेंगे, एक एम्बिकमेंट बनाएंगे तो हम इसमें एक स्लोप दे सकते हैं, इस तरीके का एक स्लोप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये दो रीजन है, और भी कई रीजन है, बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन में यही दो रीजन है जिनकी वजह से हम एम्बिकमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इस डाइग्राम में भी आप देख सकते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट सेटिस्फाई कराया गया है और ये यहाँ एक थ्रू कट है, और इस थ्रू कट में आपको दिखाया गया है कि दोनों तरफ से वाटर आता है, उस वाटर को कैसे हम निकालें, तो जो भी कट के बाद जो पोर्शन बचा उसमें भी हमने एम्बिकमेंट बनाकर उसको ऊपर किया और साइड ड्रेन के थ्रू पानी को नीचे लेके आए। देन एक वजह और है एम्बिकमेंट बनाने की, आप देख रहे होंगे ये नेचुरल ड्रेनेज लाइन्स हैं, ये नेचुरल ड्रेनेज है, तो इसीलिए हमने यहाँ कलवर्ट बना के वाटर को यहाँ से नेचुरल ड्रेनेज को पास करवाया, ठीक है। तो इस वजह के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक एम्बिकमेंट। अब आप अगर डिजाइन ऑफ एम्बिकमेंट की बात करेंगे तो उस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। पहला कि सिलेक्शन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की बात करें तो एम्बिकमेंट के विड्थ के क्राइटेरिया क्या हों, उसकी
हाइट के क्राइटेरिया क्या हों, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। दिस टॉपिक इज यूजुअली फ्रॉम द सॉइल मैकेनिक्स, ये सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक है और डिटेल में इसे वहीं पढ़ते भी हैं और वहीं पढ़ाया भी जाता है, तो इस विषय पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तीसरा एक है सेटलमेंट एनालिसिस, यानी इसके फाउंडेशन की सेटलमेंट, और दूसरा आप कहें तो स्वतः या स्वयं इस एम्बैकमेंट की ही सेटलमेंट, इन दोनों की बात भी इसमें देखी जाती है एम्बैकमेंट डिजाइन करते समय। सेलेक्शन ऑफ बैरो एरिया एंड फिल मटेरियल, बैरो एरिया का मतलब हुआ कि आप फिल मटेरियल जो भी फिल करके एम्बैकमेंट बनाएंगे यहाँ, ये मटेरियल आप लाएंगे कहाँ से, और फिल मटेरियल वो कौन सा फिल मटेरियल होगा, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। एंड द थर्ड ड्रेनेज, यानी इससे वाटर ड्रेन कैसे होगा, वाटर इससे ड्रेन आउट कैसे होगा अगर एंट्री हो गई तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिजाइन ऑफ एम्बैकमेंट से रिलेटेड। पहला पॉइंट जो है इसका सिलेक्शन ऑफ डायमेंशन, इन सभी में हम बात करते हैं रोडवे के विड्थ की, हाइट की और साइड स्लोप की, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो विड्थ और हाइट है। एक विड्थ जब डिसाइड की जाती है किसी एम्बैकमेंट की, तो उस विड्थ को कैसे डिसाइड किया जाता है, तो ये जो विड्थ होती है ये डिपेंड करती है फॉर्मेशन के ऊपर, यानी जो भी रोड आप बना रहे हैं उसकी फॉर्मेशन विड्थ क्या आ रही है, उसके लिए IRC की गाइडलाइन क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इस एम्बैकमेंट की भी विड्थ रखते हैं। यानी सपोज दैट अगर आपके पास नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है, तो प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन में उसके रोडवे की विड्थ, यहाँ रोडवे से हमारा क्या मतलब है, रोडवे से मतलब हमारा ये है कि सपोज दैट वी हैव अ टू लेन रोड, दिस इज द मीडियन, दिस इज द लेन वन एंड दिस इज द लेन टू, दिस इज द शोल्डर, दिस इज द शोल्डर, सो दिस शोल्डर प्लस दिस लेन प्लस दिस मीडियन यानी डिवाइडर प्लस दिस लेन प्लस दिस शोल्डर, दिस इंटायर विड्थ फ्रॉम वन शोल्डर टू अनदर इज कॉल्ड द रोडवे विड्थ। ये विड्थ जो होती है ये कहलाती है रोडवे विड्थ। तो इस रोडवे विड्थ की बात अगर करें तो प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन में IRC के हिसाब से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में 12 मीटर का हमारे पास रोडवे होना चाहिए, और माउंटेनस या स्टीप टेरेन में 6.25 से 8.8 मीटर के अराउंड होना चाहिए। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो PRT में 9 एंड माउंटेनस टेरेन में 4.75। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर आप बात करेंगे तो IRC की गाइडलाइन है कि 7.5 मीटर से 9 मीटर, एंड माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन में 4.75 मीटर। अगर आप विलेज रोड की बात करेंगे तो ये 7.5 मीटर का है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में और 4 मीटर का माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन में। तो यहाँ पर हमको रोडवे की विड्थ दी हुई है, तो हम जिस तरह का भी रोड बनाना चाहते हैं, जिस तरीके का भी हमारा रोड है, जितने भी लेन का है, उस हिसाब से उसके रोडवे की विड्थ IRC गाइडलाइन के हिसाब से क्या आती है, वो टॉप की विड्थ है, उस विड्थ को देखते हुए ही हमें एम्बैकमेंट की टॉप विड्थ पता चल जाती है कि व्हाट इज द टॉप विड्थ ऑफ दैट एम्बैकमेंट, यानी जितना रोडवे उतना एम्बैकमेंट की टॉप विड्थ, ठीक है, विद सम मार्जिन्स। अब हमें टॉप विड्थ तो मिल गई, दूसरा क्राइटेरिया आता है हाइट। अब ये हाइट डिसाइड होती है डिजायर्ड ग्रेड लाइन, ग्रेड लाइन से हमारा मतलब क्या है, हाईवे का ये वाला अलाइनमेंट जो है अलॉन्ग द लेंथ, उसका ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर, उस हिसाब से उसकी हाइट डिसाइड होगी। हाइट डिसाइड करने का एक क्राइटेरिया और है कि हमें जो भी ग्राउंड वाटर टेबल है या रेनी सीजन के टाइम पे जितना नेचुरल ड्रेनेज की वजह से वाटर फिल हो सकता है उसके ऊपर ही हमें उसको रखना है। तीसरा है साइड स्लोप। साइड स्लोप डिपेंड करता है स्लोप की स्टेबिलिटी पर, किस तरीके का फिल आप यूज कर रहे हैं एम्बैकमेंट बनाने के लिए। सपोज दैट आपने एक एम्बैकमेंट बनाया, तो ये एम्बैकमेंट आप कौन सा मटेरियल, किस टाइप की सॉइल को आप यहाँ फिल कर रहे हैं, उस सॉइल की सपोज दैट एच हाइट आप फिल कर रहे हैं, तो इस एच हाइट की सॉइल जब आप फिल करेंगे तो उसका स्लोप स्टेबल रखने के लिए आपको ये वाला स्लोप कितना चाहिए, ठीक है। तो एक तो टॉप विड्थ डिसाइड हो गई, हाइट डिसाइड हो गई, और हाइट डिसाइड होने के बाद स्लोप डिसाइड कर लिया आपने, तो हाइट एंड स्लोप डिसाइड होते ही आपको बॉटम विड्थ पता चल गई। तो इस तरीके से आपको इस एम्बैकमेंट की इंटायर डायमेंशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ हमारा पर्पज जो है
उस एम्बैकमेंट को डिजाइन करना नहीं है, लेकिन हम उसके सारे एस्पेक्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस एम्बैकमेंट का रिलेशन काफ़ी सारे सब्जेक्ट से भी है। आप इसे इरिगेशन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि एम्बैकमेंट जो है अर्थ एंड डैम के लिए भी काम करते हैं, एम्बैकमेंट बनाते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप रेलवे में भी एम्बैकमेंट बनाते हैं, इसके अलावा आप सॉइल में भी इसको पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में इसे पढ़ा जाता है। इसलिए इसकी बेहतर जो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स हैं उसकी स्टडी तो हम लोग सॉइल में ही करते हैं, तो वो तो सेपरेट किसी दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में एम्बैकमेंट से जुड़ी जितनी बातें हैं वो सारी बातें कर रहे हैं। साइड स्लोप जो है ये देख लिया हमने। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। अब जो स्लोप की स्टेबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। जो भी स्लोपिंग सरफेस होती है वो शियरिंग स्ट्रेसेस उसमें जनरेट होती है, ठीक है। अब ये जो शियर स्ट्रेसेस होता है यही फेलियर का रीजन होता है, यानी कि शियर स्ट्रेस जैसे ही एक क्रिटिकल जो वैल्यू है उस वैल्यू को एक्सीड करता है, तो जिस भी सरफेस पर ये क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड करता है वहाँ पर एक फेलियर सरफेस बन जाती है और इस तरीके से फेलियर हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि स्लोप की स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेसेस हैं वो कौन सी है, शियरिंग स्ट्रेसेस, इसी की वजह से फेलियर होता है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, फॉर द फेलियर ऑफ स्लोप द मेन रीजन इज शियरिंग स्ट्रेस। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं, उनमें आप उन क्वेश्चनों में आपसे ऐसा पूछा भी जा सकता है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की जो स्टेबिलिटी है वो जनरली अकर करती है कंप्रेशन ऑफ फिल मटीरियल इन द सब ग्रेड। सब ग्रेड सपोज दैट ये आपका एक एम्बैकमेंट है, ये आपने कंपैक्टेड सब ग्रेड बना रखा है, और इस कंपैक्टेड सब ग्रेड के ऊपर ये आपने बना रखा है अपना एक पेवमेंट स्ट्रक्चर। ये था कंपैक्टेड सब ग्रेड, और ये है आपका एम्बैकमेंट, और ये है आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो ये जो आपको कंपैक्टेड सबग्रेड दिख रहा है, इस कंपैक्टेड सबग्रेड के कंप्रेशन की वजह से ही जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है, फाउंडेशन कहलाता है। एक्चुअली ये जो कंपैक्टेड सबग्रेड है ना, ये इस पेवमेंट स्ट्रक्चर के लिए कहलाता है क्या, आपका सबग्रेड, ठीक है। और अगर ये एम्बैकमेंट नहीं बने तो जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है वही आपका सबग्रेड बन जाता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं जिस चीज की, एम्बैकमेंट की, उसका ये टॉप पोर्शन सबग्रेड बना। अब ये सबग्रेड का कंप्रेशन ही डिसाइड करता है फाउंडेशन की स्टेबिलिटी, यानी कंपैक्शन इज द मेन प्रोग्राम ऑफ सेटलमेंट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इसका कंप्रेशन, इस कंपैक्टेड सबग्रेड का कंप्रेशन तभी होगा जब इसका कंपैक्शन सही नहीं किया गया होगा, जब इसका कंपैक्शन यानी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इसका कंपैक्शन सही नहीं किया गया होगा। कंपैक्शन आप जानते हैं, कंपैक्शन का मतलब क्या है कि सॉइल जो हमने फिल की उसके अंदर जितने भी एयर वॉइड्स हैं वो वॉइड्स को कम से कम कर देना, ताकि गिवन वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन सॉलिड का रहे और एयर का पोर्शन कम रहे, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को रखना, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ड्राई डेंसिटी मिल सके और हम एक अच्छी खासी शियर स्ट्रेंथ और बाकी सारी प्रॉपर्टी अचीव कर सकें, ताकि हम परमेबिलिटी वगैरह की दिक्कतों को हटा सकें। दूसरा, अगर आपका कंपैक्शन इवन नहीं है तो भी सेटलमेंट होता है और वो कोलैप्स कहलाता है। इसीलिए क्या कहा गया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है फाउंडेशन की स्टेबिलिटी की, वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए ये पॉइंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ बातें और जान लेते हैं कि जो एम्बैकमेंट होता है वो सेटल करता है कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद दो वजहों से। पहला, इधर ड्यू टू द कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, आर ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ फिल, आर ड्यू टू बोथ। अब देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, पहला रीजन क्या है एम्बैकमेंट के सेटल करने का, यानी कि एक बार एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्ट हो गया देन उसके सेटल होने का रीजन क्या है। पहला रीजन है कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है
कि सॉइल का हमें वॉल्यूम कम करना है। देखो दो दो पार्ट दो बातें हैं यहाँ पर। अभी हम बात कर रहे थे कंपैक्शन की, दूसरा आ गया टर्म कंसोलिडेशन। देखने में दोनों लगभग लगभग सिमिलर होते हैं, लगभग लगभग सिमिलर लगते हैं, दोनों में ही वॉल्यूम कम होता है, लेकिन वजह अलग अलग है। दोनों में वॉल्यूम के कम होने की वजह अलग अलग है। कंपैक्शन का मतलब होता है जो भी वॉइड्स हैं उस वॉइड्स में दो ही चीजें जा सकती हैं, या तो एयर या तो वाटर। तो वॉइड के अंदर से एयर को रिमूव करके, एक्सपेल आउट करके, सॉइल के वॉल्यूम में जो कमी आपने की, इमीडिएट कमी जो आपने की, या ये कहें कि इमीडिएट कमी जो आपने की, दैट रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कंपैक्शन। लेकिन सॉइल के वॉइड्स में से वाटर जो मौजूद है, उस वाटर को रिमूव करके एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के थ्रू आपने जो उसके वॉल्यूम में कमी की, दैट रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज द कंसोलिडेशन। तो ये माइन्यूट सा एक अंतर है कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में। हालांकि और डिटेल में जाएंगे तो कंसोलिडेशन को और भी कई तरीके से समझा जा सकता है, पर अभी इस लेक्चर में आपके लिए इतना काफी होगा। तो पहला क्या कह रहे हैं ये कि एक बार एम्बिकमेंट बन गया, उसके बाद उसके वॉल्यूम में अगर कमी हो रही है, यानी उसका सेटलमेंट हो रहा है, हाइट कम हो रही है, सेटलमेंट हो रहा है, तो वो इस कंसोलिडेशन की वजह से हो सकता है, या तो दूसरा सेटलमेंट ऑफ फिल। तो किसका किसका उनने सेटलमेंट कहा, एक तो स्वतः उसका फाउंडेशन सेटल कर जाए और दूसरा खुद वो फिल सेटल कर जाए। अब सपोज दैट ये आपका एम्बिकमेंट है, तो ये क्या हो गया उसका फाउंडेशन, और ये क्या हो गया फिल। तो या तो क्या कह रहे हैं कि या तो फिल खुद सेटल कर सकता है और ऐसा हो सकता है वो, तो कितने का सेटलमेंट होगा इसमें, इतने का। दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो आपका फाउंडेशन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये खुद सेटल कर जाए, तो ये बॉडी एज ए होल सेटल कर जाएगी नीचे। तो इन दो वजह से, या दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से। अब अगर आप ये समझ गए हैं कि एक एम्बैकमेंट का सेटलमेंट किस वजह से हो सकता है, तो आप इसको बचाने के जो उपाय हैं वो भी समझ जाएंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट कि अगर एम्बैकमेंट का फाउंडेशन कंसिस्ट करता है कंप्रेसिबल सॉइल, ऐसी सॉइल जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, वॉल्यूम में कमी की जा सकती है, विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। याद रखिएगा इसको, कंप्रेसिबल सॉइल विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, द कंसोलिडेशन कैन अकर ड्यू टू इंक्रीज इन लोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर कंप्रेसिबल सॉइल है और उसका मॉइस्चर कंटेंट हमेशा ज्यादा रहता है, तो जो कंसोलिडेशन होगा जिसकी वजह से सेटलमेंट हो सकता है, वो कंसोलिडेशन लोड में इंक्रीमेंट होने से भी, यानी जो परमानेंट यहां हमने सरफेस बना रखी है, रोड बना रखी है, इस रोड पे अगर हम लोड इंक्रीज करें तो इस लोड के बढ़ने से भी कंसोलिडेशन होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट, द सेटलमेंट ऑफ द फिल इज जनरली ड्यू टू इनएडिक्वेट कंपैक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी अंततः कंपैक्शन सही तरीके से नहीं हुआ अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो यही सबसे बड़ा रीजन बनता है कंसोलिडेशन का या सेटलमेंट का। एंड हेंस बाय द प्रॉपर कंपैक्शन दिस टाइप ऑफ द सेटलमेंट मे बी ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। ठीक है, यानी अगर आप प्रॉपर कंपैक्शन करेंगे तो ये सब एलिमिनेट हो सकता है। वॉट इवर बी द टाइप ऑफ सेटलमेंट, कैसे भी तरीके का सेटलमेंट हो, चाहे आपका फिल का सेटलमेंट हो या फाउंडेशन का सेटलमेंट हो, इट इज डिजायरेबल दैट द सेटलमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट। क्या कहा जा रहा है, सेटलमेंट बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है, पुण्य की श्रेणी में आता है सेटलमेंट, कब, कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर हो रहा हो। वंस द परमानेंट स्ट्रक्चर हैज बीन मेड, देन इवन अ एमएम ऑफ सेटलमेंट इज हार्मफुल।
यानी एक बार परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद होने वाला सेटलमेंट कतई डिजायरेबल नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, चाहे किसी भी तरह का सेटलमेंट हो वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की कि इस पेमेंट जो बना रहे हैं हम, जो एम्बैकमेंट के ऊपर बना रहे हैं, उस एम्बैकमेंट का जो साइज का डिसाइडिंग का क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, देन उसका स्लोप का क्या क्राइटेरिया है, उसकी स्टेबिलिटी के क्या क्राइटेरिया है, फाउंडेशन की स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के क्या क्राइटेरिया है, सेटलमेंट से रिलेटेड चीजें क्या है, इन सभी चीजों पर हमने बात की। तो इसका एक लास्ट पॉइंट है जो डिजाइन का, वो पॉइंट है ड्रेनेज का, यानी इस एम्बैकमेंट में ड्रेनेज कैसे होगा। तो उसके लिए एक टर्म होता है वर्टिकल सैंड ड्रेन, ये एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू आप ड्रेनेज करा सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिव ड्रेनेज करा सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन यानी कंसोलिडेशन क्या होता है आपको पता है, सॉइल के वॉइड्स में से वाटर को बाहर निकाल के उसके वॉल्यूम में कमी करना इज द कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन का जो रेट है उस रेट को एक्सीलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं, टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सैचुरेटेड फाउंडेशन क्ले। किस चीज की बात की जा रही है, जो फाउंडेशन पे क्ले है अगर और वो सैचुरेटेड है, वो क्या है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब उसके सारे के सारे वॉइड वाटर से 100% फिल्ड है, 0% फिल्ड बाय द एयर एंड 100% फिल्ड बाय द वाटर। तो ऐसे फाउंडेशन में जिसमें कि सैचुरेटेड क्ले है, उस क्ले का रेट ऑफ कंसोलिडेशन एक्सीलरेट करने के लिए वर्टिकल सैंड ड्रेन टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। अब ये वर्टिकल सैंड ड्रेन होते क्या है, दीज आर द वर्टिकल कॉलम ऑफ सैंड, एक्चुअली दीज आर व्हाट, दीज आर वर्टिकल कॉलम ऑफ सैंड, ये सैंड के वर्टिकल कॉलम्स हैं जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्रेसिबल फाउंडेशन, किस तरह की सॉइल में, लाइक मार्शी सॉइल यानी दलदल वाली सॉइल, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द ड्रेनेज पाथ। कॉन्सेप्चुअल वे में समझना चाहें तो अगर आप कंसोलिडेशन का रेट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पानी के बाहर निकलने का या तो फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा, या तो आप क्या कर सकते हैं कि जितनी लेंथ से पानी होके ड्रेन होता है वो लेंथ कम कर दें अगर आप, तो भी आपका कंसोलिडेशन फास्ट हो सकता है। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि कंप्रेसिबल फाउंडेशन लाइक मर्सी सॉइल, ये वर्टिकल सैंड कॉलम इंस्टॉल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द ड्रेनेज पाथ एंड दस एक्सीलरेट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। नाउ दीज वर्टिकल सैंड कॉलम में बी ऑफ 30-60 सेंटीमीटर इन डाया एंड 5-6 मीटर स्पेसिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट है। तो 30-60 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 5-6 मीटर स्पेसिंग, अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न, ये आज तक तो नहीं पूछा गया पर पूछा जा सकता है, हेक्सागोनल पैटर्न में इसको अरेंज करते हैं। अगर आप प्लान की बात करेंगे तो दे विल बी अरेंज्ड इन द हेक्सागोनल पैटर्न। अ हॉरिजॉन्टल सैंड ब्लैंकेट ऑफ 40-60 सेंटीमीटर थिक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द ड्रेन्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ द एम्बैकमेंट एट दिस एट इट्स बॉटम, दिस हेल्प द वाटर टू फ्लो आउट विद ईज। क्या कह रहा है, सपोज दैट दिस इज योर एम्बैकमेंट, दिस इज द टॉप ऑफ एम्बैकमेंट एंड दिस इज द बॉटम ऑफ एम्बैकमेंट, या आप इसको एम्बैकमेंट कहें या फिल कहें या फिर आप चाहें तो इसको सरचार्ज कह लें। तो इस एम्बैकमेंट के बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल सैंड ब्लैंकेट दिया गया है इस तरीके का, ये हॉरिजॉन्टल सैंड ब्लैंकेट है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सैंड ब्लैंकेट, और ये सैंड के वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर दी वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सैंड, इनमें क्या होता है ड्रेनेज होता है टॉप की तरफ, ऐसा ड्रेनेज होता है। आप देख रहे हैं कि इस रीजन में कंप्रेसिबल नेचर की क्ले है, कंप्रेसिबल नेचर की क्ले है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्ले हमेशा यूज की जाती है, जब आप अर्थन डैम बनाते हैं उसका एम्बैकमेंट बनाते हैं तो उसका डायाफ्राम बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, क्ले। वाई, क्योंकि
क्ले जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एक्वी क्लूड है, एक्वी क्लूड, एक्वी क्लूड का मतलब क्या हुआ, एक्वी यानी वाटर, क्लूड यानी इंक्लूड, इंक्लूड कर लिया, वाटर को इंक्लूड कर लिया, जाने नहीं देगा, पास नहीं होने देगा, परमीएबल नहीं है, वेरी लो इसकी परमीएबिलिटी है, तो वाटर पास नहीं होगा। और ये कंप्रेसिबल नेचर की भी है, तो स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत होगा इसमें मोंटमोरिलोनाइट की वजह से, तो वाटर तो ड्रेन नहीं होगा इसका, तो क्या करें, इसलिए हमने वर्टिकल सैंड के कॉलम बना दिए। अब वर्टिकल सैंड के कॉलम बना देने से क्या होगा कि इसका ड्रेनेज का पाथ, ड्रेनेज के पाथ की लेंथ कम हो जाएगी और यहां से वाटर ड्रेन कर जाएगा। जब ड्रेन करेगा तो टॉप में इसे एक ब्लैंकेट मिलेगा जो सेंटर से आउटर की तरफ वाटर को लेके जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म टू ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम द फाउंडेशन। विच टाइप ऑफ फाउंडेशन, द फाउंडेशन विच हैव अ कंप्रेसिबल क्ले, यानी जब भी किसी एम्बैकमेंट के फाउंडेशन में, दिस पार्ट इज द फाउंडेशन, फाउंडेशन में एक सैचुरेटेड क्ले होगी, कंप्रेसिबल क्ले होगी, तो इस तरीके की क्ले से वाटर को ड्रेन करने के लिए यही वर्टिकल सैंड ड्रेन टेक्निक यूज की जाएगी। ये कहां तक जाएगा, इसकी क्या लेंथ होगी, इसको तब तक एक्सटेंड करते जाते हैं जब तक कि एक हार्ड स्ट्राटम नहीं मिल जाता। तो यहां आपको एक सेक्शन दिखाया गया है और यहां आपको प्लान दिखाया गया जिसमें हेक्सागोनल गोनल पैटर्न में आपको ये आपको दिखाए गए हैं कि किस तरीके से एक ब्लैंकेट जो है, किस तरीके से एक वर्टिकल सैंड कॉलम जो है प्लान में दिखाई देता है। नाउ हम बात करते हैं कि जो फिल मटेरियल है उसका बोरो एरिया कैसे सेलेक्ट किया जाता है, किस जगह से हम सॉइल को लेके आए, जो फिल मटेरियल बनने वाली है उसको कहां से लेके आए। तो कहा जा रहा है कि बोरो पिट अलॉन्ग द रोड शैल बी डिस्करेज्ड इफ परमिटेड बाई द इंजीनियर, दिस शैल नॉट बी डग कंटिन्यूअसली। यानी कह रहे हैं कि अगर आपको इस जगह पे ही आपको क्या करना है, सपोज दैट ये पेज मार्क कर लिया, आपको यहाँ परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना है, तो जस्ट यहाँ से या इसी जगह से आप जो है एक्सकेवेट नहीं कर सकते सॉइल को और इसी का यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन अगर परमिट भी किया जा रहा है तो दिस शैल नॉट बी डग कंटिन्यूअसली एक्सकेवेट नहीं कर सकते। नाउ जहां से भी एक्सकेवेट करेंगे वहां रिज ऑफ नॉट लेस देन 8 मीटर विड्थ शुड बी लेफ्ट एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 300 मीटर। तो आपने देखा होगा कि सपोज दैट ये एक प्लान है, ठीक है, इस प्लान से आपने फिल मटेरियल को एक्सकेवेट किया, तो जगह जगह पे आप देखते होंगे कि इस तरीके का पोर्शन यहां एक्सकेवेशन है, बाकी हर जगह एक्सकेवेशन है, इस तरीके का पोर्शन छोड़ देते हैं, ये प्लान दिखाया जा रहा है। अगर आप इसके एलिवेशन की बात करें तो सपोज दैट कि ये नेचुरल ग्राउंड लेवल था, आपने यहां से एक्सकेवेशन चालू किया और नीचे आते गए और इस जगह में आपने क्या कर दिया, इस जगह आपने इसको इस तरीके का एक पोर्शन छोड़ दिया, इसको एक्सकेवेट किया ही नहीं। वाई, फॉर द पर्पज ऑफ मीजरमेंट, ताकि आप ये वाली डेप्थ मीजर कर सकें एक्सकेवेशन की। तो वो क्या कह रहा है कि रिज ऑफ नॉट लेस देन 8 मीटर, ये मोर्थ की गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे की जो गाइडलाइंस हैं स्पेसिफिकेशन की, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 8 मीटर से कम विड्थ के नहीं होने चाहिए और उनका इंटरवल 300 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। स्मॉल ड्रेन शैल बी कट थ्रू द रिज टू फैसिलिटेट ड्रेनेज, इससे ड्रेनेज भी फैसिलिटेट होना चाहिए। द डेप्थ ऑफ द पिट शैल बी सो रेगुलेटेड दैट देयर बॉटम डज नॉट कट एनी इमेजिनरी लाइन हैविंग अ स्लोप 1:4, 1 vertical to 4horizontal, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ फाइनल सेक्शन ऑफ द बैंक, द मैक्सिमम डेप्थ इन एनी केस बींग लिमिटेड टू 1.5 मीटर। यानी जो भी एक्सकेवेशन आप करेंगे किसी भी बारो एरिया में, एक बारो एरिया है जहां से आप एक्सकेवेट करके मटीरियल को ले जाएंगे और कहीं जहां एम्बैकमेंट बनाना है वहां फिल करेंगे, तो इस जगह पे अधिकतम 1.5 मीटर की डेप्थ तक आप एक्सकेवेशन कर सकते हैं। ऑल्सो नो पिट सेल डग विद इन द ऑपोजिट विड्थ ऑफ मिनिमम ऑफ 10 मीटर। यानी ये जो बोरो एरिया है, ये बोरो एरिया, इसकी रोड की सरफेस जो भी आपकी साइड है, शोल्डर है, इससे विद इन 10 मीटर एरिया के बाहर ही होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए,
ठीक है, तो विद इन द 10 मीटर फ्रॉम द शोल्डर आप कोई भी बैरो एरिया सेलेक्ट नहीं कर सकते। नाउ जनरल गाइडलाइंस फॉर द मटेरियल एज पर द मोर्थ, जो मटेरियल आप फिल करने वाले हैं, जिसको अभी आपने बोरो एरिया से लेके आए हैं, उसके जनरल गाइडलाइंस क्या हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एज पर द मोर्थ। मटेरियल यूज्ड इन द एम्बैकमेंट आर सबग्रेड अर्थन शोल्डर एंड मिसलेनियस बैकफिल्स शैल बी 1 सॉइल, 2 मूर रूम, 3 इज द ग्रेवल, अ मिक्सचर ऑफ दीज। यानी ये 4 तरीके के मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। इम्बैकमेंट बनाने के लिए कैसे मटेरियल यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी सॉइल, यू कैन यूज मूरूम स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल, यू कैन यूज ग्रेवल एंड यू कैन यूज मिक्सचर ऑफ दीज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल शैल बी कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर द इम्बैकमेंट। अनसुटेबल फॉर द इम्बैकमेंट यानी दीज मटीरियल्स फ्रॉम ए टू एफ, यू कैन नॉट यूज दीज मटीरियल फॉर द इम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, मटेरियल फ्रॉम द स्वैम्प मार्स एंड ब्लॉक्स, पीट लॉग स्टम्प्स एंड पेरिसेबल मटेरियल्स एंड एनी सॉइल दैट इज क्लासिफाइड एज ओ एल, ओ आई एंड ओ एच। व्हाट डू यू मीन बाय ओ एल, ओ आई एंड ओ एच टाइप ऑफ सॉइल एंड पी टी। जब भी आप इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉइल, एंड दिस ओ इज द प्रेफिक्स। इस प्रेफिक्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल, ओ स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल, द सेकेंड लेटर इज द सफिक्स, दिस सफिक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, एल फॉर लो प्लास्टिसिटी, लो प्लास्टिसिटी, आई फॉर इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, एच फॉर द हाई प्लास्टिसिटी। सो ओ एल, व्हाट डू यू मीन बाय ओ एल, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी। व्हाट इज ओ आई, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। व्हाट इज ओ एच, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। कुछ बच्चों का कहना रहता है सर ये लो हाई इंटरमीडिएट, हाउ वी डिसाइड सर, देखो बेटा कैसे करोगे इसको। एल लो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, 35% से कम है अगर आपका लिमिट तो लो है, ठीक है, 35% से 50% तक है तो मीडियम है, इंटरमीडिएट है, ग्रेटर देन 50% है तो ये क्या है, हाई प्लास्टिसिटी की रेंज में आ जाता है, ठीक है। पीटी का मतलब यहां पर क्या है, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में पीट से है, पीट एक्चुअली नॉर्दर्न इंडिया में मिलती है, नॉर्दर्न पार्ट में, और जो कोस्टल एरिया है उसमें सिर्फ कुछ जगह कोस्टल एरियाज में मिलती है। ये भी एक ऑर्गेनिक टाइप की ही सॉइल है, और जो डेड वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं ना काफी दिन तक दबे रहते हैं मिट्टी के नीचे, उससे जो बनती है, ठीक है, साल्ट होते हैं पर कम साल्ट होते हैं, अकॉर्डिंग विद द आईएस 1498, यानी 1498 के अकॉर्डिंग है ये आईएस कोड है इसका। तो एक तो ये मटेरियल, और दूसरा बी में जो भी लिस्टेड है वो मटेरियल सुटेबल नहीं है किसी भी प्रकार से एम्बैकमेंट बनाने के लिए। तो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, और ये जो है ये रिलेटेड है आईएस कोड 1498 से, और दूसरा इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बताया गया है कि ओ एल, ओ आई, ओ एच एंड पी टी आर नॉट सूटेबल। थर्ड, मटेरियल ससेप्टिबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसका कंबशन हो सकता है वो मटीरियल कतई आप एम्बैकमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। डी, मटेरियल इन अ फ्रोजन कंडीशन, जो फ्रोजन कंडीशन में हो वो मटेरियल यूज नहीं कर सकते। ई, एनी क्ले हैविंग द लिक्विड लिमिट एक्सीडिंग 50 एंड अ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एक्सीडिंग 25। किसी भी क्ले की लिक्विड लिमिट अगर 50 से ज्यादा है या उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 25 से ज्यादा है, देन दैट क्ले कांट बी यूज एज अ एम्बैकमेंट फिल मटीरियल। एफ, मटीरियल विद साल्ट रिजल्टिंग इन लीचिंग इन द एम्बैकमेंट,
वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एनी मटीरियल विच कैन रिजल्ट इन द लीचिंग ऑफ एम्बैकमेंट कैन नॉट बी यूज एज फिल मटीरियल। तो आपको जो है पॉइंट बी, पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ को याद रखना है। मटीरियल नेक्स्ट जनरल रिक्वायरमेंट, एक्सपेंसिव क्ले, एक्सपेंसिव क्ले यानी ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन क्ले, मोंट मोरिनो नाइट वाली क्ले, श्रिंकेज स्वेलिंग इंडेक्स दिखाने वाली क्ले, एक्सपेंसिव क्ले एग्जिबिटिंग द मार्क्ड स्वेल एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, जिसका कि फ्री स्वेलिंग इंडेक्स एक्सीड कर रहा हो 50% से, जबकि IS 2720 पार्ट 40 के हिसाब से टेस्ट किया जाए, शैल नॉट बी यूज एज ए फिल मटीरियल। वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी एक्सपेंसिव क्ले का फ्री स्वेलिंग इंडेक्स 50% से ज़्यादा होगा वो जो है फिल मटीरियल की तरह यूज नहीं की जा सकती। When an expensive clay having free swelling index value less than 50% is used as a fill material subgrade and top 500 mm portion of the embankment just below subgrade shall be non-expensive in the nature. यानी जब कभी भी किसी एक्सपेंसिव क्ले जिसका कि फ्री स्वेलिंग इंडेक्स 50% से कम है यूज किया जाएगा एज ए फिल मटीरियल, तो यानी सबग्रेड फिल मटीरियल, तो जो टॉप 500 mm पोर्शन होगा एम्बैकमेंट का, ठीक है, जस्ट बिलो द सब ग्रेड, वो नॉन एक्सपेंसिव होगा। यानी कि अगर ये एम्बैकमेंट है तो इस एम्बैकमेंट में सपोज दैट आपने एक एक्सपेंसिव क्ले का फिल मटेरियल यूज किया है जिसका फ्री स्वेल इंडेक्स 50% से कम है, तो जो टॉप 500 mm है, टॉप हाफ मीटर का जो पोर्शन है जस्ट बिलो दी सबग्रेड, यानी ये जो सबग्रेड है इस सबग्रेड से जस्ट 500 mm नीचे की जो सॉइल है वो नॉन एक्सपेंसिव नेचर की होनी चाहिए। ऑर्डिनरली ओनली द मटेरियल सेटिस्फाइंग द डेंसिटी रिक्वायरमेंट गिवन इन द टेबल बिलो शैल बी एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैकमेंट एंड सबग्रेड। यानी कि ये सारे रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह है ही, साथ ही साथ वही मटीरियल एज ए फिल मटीरियल बनेगा जो डेंसिटी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे आगे। एनी फिल मटेरियल विद अ सोल्युबल सल्फेट कंटेंट एक्सीडिंग 1.9 ग्राम ऑफ सल्फेट, जबकि एक्सप्रेस किया जाएगा एज SO3 पर लीटर, व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस द वाटर सॉइल रेशो शैल नॉट बी डिपॉजिटेड विद इन 500 mm डिस्टेंस ऑफ परमानेंट वर्क, वन एंड टू। जब भी एक मटेरियल जिसका टोटल सल्फेट कंटेंट एज SO3 एक्सीड करेगा 0.5% बाय मास व्हेन टेस्टेड एज पर दिस पार्ट 3 शैल नॉट बी डिपॉजिटेड विद इन 500 mm आर अदर डिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेटेलिक आइटम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द परमानेंट वर्क। यानी यहां पर सल्फेट कंटेंट की बात की जा रही है और सोल्यूबल सल्फेट की बात की जा रही है इस और इस पैरा में सोल्यूबल सल्फेट और सल्फ कंटेंट की बात की जा रही है कि जब ये 1.9 ग्राम ऑफ सल्फेट एज पर SO3 पर लीटर से ज्यादा होगा तो वाटर सॉइल रेशो शैल नॉट बी डिपॉजिटेड विद 500 mm फ्रॉम परमानेंट वर्क। परमानेंट वर्क का मतलब क्या होता है, जो आप टॉप में यहां पर बनाएंगे, क्या परमानेंट वर्क यानी आप टॉप में जो पेवमेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो, तो इस पेवमेंट स्ट्रक्चर से 500 mm डिस्टेंस में आप इसको क्या है प्लेस नहीं कर सकते। दूसरा, अगर टोटल सल्फेट कंटेंट एज SO3 0.5% बाई मास से ज्यादा है तो सेल नॉट बी डिपॉजिटेड विद इन 500 mm और अदर डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिस्टेंस की बात की जाएगी। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द कोर्स मटीरियल इन द मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की बात हम लोग कर रहे हैं। साइज ऑफ द कोर्स मटीरियल इन द मिक्सचर ऑफ अर्थ सेल ऑर्डिनरली नॉट एक्सीड 75 mm, इसको आपको याद रखना है कि फिल मटेरियल में जो कोर्स मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, मिक्सचर जो है उस मिक्सचर में कोर्स फाइन सभी तरह के मटेरियल होते हैं, तो जो भी कोर्स मटेरियल है उसकी साइज 75 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 75 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब, वेन प्लेस्ड इन द एम्बैकमेंट, एंड 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वेन प्लेस्ड इन द सबग्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट।
द मैक्सिमम पार्टिकल साइज इन नो केस हाउएवर शॉल नॉट बी मोर देन 2/3 ऑफ द कंपैक्टेड लेयर थिकनेस। तीन बातें हैं, अगर आप इसको इम्बेकमेंट में फिल कर रहे हैं मिक्सचर को, तो उसमें कोर्स मटेरियल की जो साइज है शैल नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm। अगर आप उसको सबग्रेड में कर रहे हैं तो शैल नॉट बी ग्रेटर देन 50 mm, ठीक है। और किसी भी केस में अगर आप इनसे ज़्यादा भी कर रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की वजह से, तो एज परमिटेड बाई द इंचार्ज, देन इन दैट केस कंपैक्टेड लेयर की जो थिकनेस है, वन टाइम में आप जितनी लेयर फिल करके कंपैक्ट करते हैं, वन कंपैक्टेड लेयर की जो थिकनेस है, ठीक है, इस कंपैक्टेड लेयर की थिकनेस के 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कोर्स मटेरियल के साइज के क्राइटेरिया हैं। दीज ऑल क्राइटेरिया आर फ्रॉम द मोर्थ। तो ये है डेंसिटी रिक्वायरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो भी मटीरियल को हम फिल करके एम्बेकमेंट बनाएंगे या हम सबग्रेड मटीरियल बनाएंगे, एम्बेकमेंट नहीं बनाना हो तो सबग्रेड ही बनाएं। अगर सबग्रेड का मतलब ये हुआ सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन या सॉइल जिसके ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि फाउंडेशन है किसी भी तरीके के रोड के लिए। मोर्थ उनके लिए क्या गाइडलाइंस देता है, तो इसकी टेबल 300 है, 1, जिसमें डेंसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बेकमेंट एंड सबग्रेड मटेरियल की बात की गई है, जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ वर्क के ऊपर। इफ द एम्बेकमेंट अप टू 3 meter हाइट नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्लडिंग, जहां एक्सटेंसिव फ्लडिंग नहीं होती और 3 meter हाइट तक के एम्बेकमेंट हैं, तो मैक्सिमम लेबोरेटरी ड्राई यूनिट वेट व्हेन टेस्टेड एज पर IS 2720 पार्ट 8। याद रखें कि IS 2720 इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर द कंडक्टिंग टेस्ट इन द सॉइल, जो कि कई पार्ट में है। यहाँ इस टेस्ट के लिए, डेंसिटी के लिए पार्ट 8 है। तो जब इसके हिसाब से टेस्ट किया जाए तो ड्राई यूनिट वेट, जो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट है, तब के केस में जबकि एम्बेकमेंट 3 meter से ज़्यादा हाइट का नहीं है और एक्सटेंसिव फ्लडिंग नहीं हो रही है, वो 15.2 kN पर क्यूबिक मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। अगर एम्बेकमेंट 3 meter से ज़्यादा हाइट का है या एम्बेकमेंट ऑफ एनी हाइट सब्जेक्टेड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इनंडेशन, देन इन दैट केस शैल नॉट बी लेस देन कम नहीं होना चाहिए 16 kN पर क्यूबिक मीटर से। थर्ड, अगर सबग्रेड एंड अर्थन शोल्डर है, ठीक है, बैकफिल है, वर्क्स है, तो नॉट लेस देन 17.5 kN पर क्यूबिक मीटर। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इम्बेकमेंट में कोई भी मटीरियल ला के फिल करें, उसको फिल करने से पहले उसका डेंसिटी चेक करना मांगता है, ठीक है। क्या करेंगे, डेंसिटी चेक करेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज को कहाँ से मैच करेंगे, यहाँ से। अगर 15.2 kN पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा की डेंसिटी है देन अलाउड, कम है रिजेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड केस। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर दो नोट दिए गए हैं, दिस टेबल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइट वेट फिल मटीरियल, जैसे कि सिंडर, फ्लाई ऐश, ठीक है, सिंडर्स और फ्लाई ऐश के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द मटेरियल टू बी यूज इन सबग्रेड शैल बी नॉन एक्सपेंसिव एंड शैल सेटिस्फाई द डिजाइन CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो एट द स्पेसिफाइड ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। इन केस ऑफ द अवेलेबल मटीरियल फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ CBR, यूज ऑफ स्टेबिलाइजेशन मैथड इन अकॉर्डेंस विद द क्लास 403 एंड 404 और बाई एनी स्टेबिलाइजेशन मैथड अप्रूव्ड बाई द इंजीनियर शैल बी फॉलोड। यानी क्या कह रहा है कि या तो आप एक्सपेंसिव मटेरियल को यूज करें, यानी जो भी मटेरियल यूज करें सबग्रेड में वो नॉन एक्सपेंसिव होना चाहिए और वो CBR को सेटिस्फाई करे, जो कि डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, के द्वारा स्पेसिफाइड है। इन केस आपका मटेरियल CBR रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, देन आपको क्या करना है, स्टेबिलाइजेशन मैथड्स यूज करें, जो सॉइल को स्टेबिलाइज करने की मैथड्स हैं। सो दीज आर द डेंसिटी रिक्वायरमेंट। नाउ कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ एम्बेकमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक एम्बेकमेंट बनाने के प्रोसीजर क्या क्या हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सेटिंग आउट। सेकंड इज व्हाट, डिवाटरिंग। थर्ड, स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग द टॉप सॉइल। फोर्थ, कंपैक्टिंग ग्राउंड सपोर्टिंग द एम्बेकमेंट।
द ग्राउंड विच इज सपोर्टिंग द एम्बैकमेंट, जिसके ऊपर एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका कंपैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के ऊपर हमें एम्बैकमेंट बनाना है और उस फाउंडेशन का हम कंपैक्शन करने वाले हैं। पहले भी हमने देखा कि जो सेटलमेंट है उसका अल्टीमेट रीजन क्या है, कंसोलिडेशन, और वो कंसोलिडेशन किसका हो सकता है, वो कंसोलिडेशन इनएडिक्वेट कंपैक्शन की वजह से होता है, और वो किसका हो सकता है, फाउंडेशन का भी हो सकता है और फिल का भी। तो चलो फिल को तो हमने अच्छा कंपैक्ट कर लिया, लेकिन अगर फाउंडेशन को कंपैक्ट नहीं किया तो उसका भी सेटलमेंट हो सकता है, इसीलिए उसका कंपैक्शन। फिफ्थ, स्प्रेडिंग द मटेरियल इन द लेयर्स, ठीक है, मटेरियल को लेयर्स में स्प्रेड करना, और सिक्स्थ उसका कंपैक्शन करना। तो एक एक करके ये सारे स्टेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सेटिंग आउट का मतलब यह हुआ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइट क्लियरेंस द लिमिट ऑफ द एम्बैकमेंट शैल बी मार्क्ड बाय फिक्सिंग पेजेस ऑन बोथ साइड एट द रेगुलर इंटरवल। सपोज दैट ये कंस्ट्रक्शन करना है तो हमने यहाँ पेज जो है बॉटम विड्थ जो भी है वो बॉटम विड्थ के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, पेज मार्क कर लिए, ठीक है। ये सेटिंग आउट चल रहा है, किस एरिया में हमें वर्कआउट करना है। द चैनस बोर्ड एंड द वर्किंग बेंचमार्क शैल बी सेट आउट, ठीक है। चैनस बोर्ड का मतलब डिस्टेंसेस, यहां से ये कितनी डिस्टेंस है, देन दिस डिस्टेंस चैनल्स बोर्ड सेट करेंगे, और वर्किंग वर्क करने के लिए जो बेंचमार्क बनेंगे वो सेट करना है, ठीक है। आउटसाइड द लिमिट ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया, ये अगर आपका कंस्ट्रक्शन एरिया है तो इसके बाहर, यानी यहां कहीं या इधर कहीं, ठीक है, इस एरिया में कहीं, दिस एरिया में नो वर्क इज अलाउड, यहां तो आपको स्वयं ही कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये हो गया सेटिंग आउट का काम, यानी इसमें आपने क्या किया, चैनल्स मार्क किया, इसमें आपने विड्थ स्पेसिफाई किया, ठीक है, वर्किंग के लिए बेंचमार्क बनाया। नेक्स्ट काम क्या है, डीवाटरिंग। डीवाटरिंग का मतलब होता है कि इफ द फाउंडेशन ऑफ द एम्बैकमेंट इज इन एरिया विच इज हैज द स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर यानी जहां पानी हमेशा बना रहता है, एंड इन द ओपिनियन ऑफ द इंजीनियर इफ इट इज फिजिबल टू रिमूव इट द सेम शैल बी रिमूव्ड बाई बेलिंग आउट आर बाई द पंपिंग एज डायरेक्टेड बाई द इंजीनियर एंड द एरिया ऑफ द एम्बैकमेंट फाउंडेशन शैल बी केप्ट ड्राई। जो फाउंडेशन एरिया होगा किसी एम्बैकमेंट का, दिस एरिया इज द फाउंडेशन एरिया ऑफ एम्बैकमेंट, अगर यहां स्टेगनेंट वाटर है, दिस शैल बी एक्सपेल्ड आउट, इसको बाहर निकालना जैसे भी आप निकालें, इस एरिया को आपको ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद इसको कंपैक्ट करना है। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग द टॉप सॉइल। आपको क्या करना है, जो टॉप सॉइल है उसको स्ट्रिप आउट कर लेना है, उसको अलग कर लेना है, ठीक है, देन उसके बाद उस पर हमें अगला कंस्ट्रक्शन करना है। कुछ ज्यादा नहीं है इस स्पेसिफिकेशन में, क्या कह रहा है कि द टॉप सॉइल फ्रॉम ऑल एरिया ऑफ द कटिंग एंड फ्रॉम ऑल एरिया टू बी कवर्ड बाई द एम्बैकमेंट फाउंडेशन शैल बी स्ट्रिप्ड टू स्पेसिफाइड डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 150 mm। यानी सपोज दैट ये नेचुरल ग्राउंड है, इतना आपने कंस्ट्रक्शन करना है तो इसको आपने क्या कर दिया, स्ट्रिप आउट कर दिया, इसको निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। इसकी डेप्थ जो है, ये डेप्थ 150 mm से आप क्या नहीं कर सकते, इसकी डेप्थ 150 mm से ज्यादा नहीं कर सकते, और इसको स्टोर करना है इन द स्टॉक पाइल्स, इसको स्टोर करना है, यहां स्टोर कर दिया आपने यहां से, नॉट एक्सीडिंग 2 meters फॉर कवरिंग एम्बैकमेंट स्लोप, यहां से 2 meters से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखना, इससे कम डिस्टेंस पे भी नहीं रखना आपको ज्यादा। तो यानी 2 meters से ज्यादा क्यों नहीं रखना, वाई, क्योंकि जब स्लोप आप बनाएंगे, जैसे सपोज दैट आपने इसको स्ट्रिप आउट कर दिया, अलग कर दिया, फिर यहां आपने मटीरियल को फिल किया, जो बैरो एरिया से लेके आए हैं आप, तो लेयर बाय लेयर आपने उसको फिल किया और कंपैक्ट करते गए, देन आपका इस तरीके का एम्बैकमेंट बन गया। अब ये जो स्लोप बना है, इस स्लोप में आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सॉइल को अगेन से लाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्यों ऐसा करते हैं, ताकि रीवेजिटेशन कराया जा सके, यहां जो वेजिटेशन था वो फिर से कराया जा सके। इसीलिए ये सॉइल हम जब डग आउट करेंगे, स्ट्रिपिंग करेंगे, तो दोनों तरफ इसको रखेंगे और 2 meters से ज्यादा दूरी पर नहीं रखेंगे। द टॉप सॉइल शैल नॉट बी अननेसेसरली सब्जेक्टेड टू द ट्रैफिक आइदर बिफोर स्ट्रिपिंग आर व्हेन इन ए स्टॉक पाइल, ठीक है। यानी कि जब ये टॉप सॉइल ये जो थी इसको आपने निकाला, तो ये जो टॉप सॉइल आएगी इसको आप क्या है, ज्यादा आपको इसमें जो है ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं रखना, ये कह रहा सिंपली।
सो आपको याद रखना है एग्जैक्टली ये 150 mm से ज़्यादा डेप्थ नहीं और 2 मीटर से ज़्यादा विड्थ में इसको रखना नहीं है। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम इसमें बात करने जा रहे हैं कंपैक्टिंग ग्राउंड सपोर्टिंग एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट को सपोर्ट करने वाले ग्राउंड का कंपैक्शन। वेन नेसेसरी द ओरिजिनल ग्राउंड सैल बी लेवल टू फैसिलिटेट द प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट लेयर, अगर जरूरी हो तो जो भी हमारा ग्राउंड है उसको लेवल किया जाए ताकि वो फर्स्ट लेयर को रिसीव कर सके, एम्बैकमेंट की फर्स्ट लेयर जो है उसको रिसीव कर सके। सैक्रिफाइड स्कैरिफाइड एंड मिक्स्ड विद वाटर एंड देन कंपैक्टेड बाय द रोलिंग, रोलिंग के थ्रू कंपैक्ट हो इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज नंबर 305.3.5 एंड 305.3.6। ये कहाँ के क्लॉज हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मोर्थ स्पेसिफिकेशन के क्लॉज हैं। टू अचीव मिनिमम ड्राई डेंसिटी एज गिवन इन द टेबल 302, जो अभी हम लोग टेबल नंबर 300-2 की बात कर रहे थे, उस टेबल के अकॉर्डिंग मिनिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू जो भी थी उससे कम नहीं होनी चाहिए। इन केस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सबग्रेड लेवल एंड द ग्राउंड लेवल इज लेस देन 0.5 मीटर, जब सबग्रेड लेवल, सपोज दैट दिस इज एम्बैकमेंट, दिस इज परमानेंट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सबग्रेड लेवल, सबग्रेड लेवल दिस इज द ग्राउंड लेवल दिस इज द सबग्रेड लेवल, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सबग्रेड लेवल एंड द ग्राउंड लेवल इज लेस देन 0.5 एंड द ग्राउंड डज नॉट हैव द 97% रिलेटिव कंपैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ड्राई डेंसिटी एज गिवन इन द टेबल नंबर 302, द ग्राउंड शैल बी लूजेंड अप टू ए लेवल ऑफ 0.5 मीटर बिलो द सबग्रेड लेवल, ठीक है, एंड वाटर्ड एंड कंपैक्टेड इन द लेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज नंबर 305.3.5 एंड 305.3.6 टू अचीव द ड्राई डेंसिटी नॉट लेस देन 97% रिलेटिव कंपैक्शन गिवन इन द टेबल दिस। नेक्स्ट वी आर सो डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर एनी अनसुटेबल मटीरियल अकरिंग इन द एम्बैकमेंट फाउंडेशन 500 mm पोर्शन जस्ट बिलो द सबग्रेड लेवल की बात कर रहा है यहां पर, ये शैल बी रिमूव्ड सुटेबली डिपोजिटेड एंड रिप्लेस्ड बाय अप्रूव्ड मटीरियल लेड इन द लेयर्स टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ कंपैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एनी फाउंडेशन ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट, एनी फाउंडेशन ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड फॉर द एम्बैकमेंट स्पेशली द हाई एम्बैकमेंट, क्या होता है एक हाई एम्बैकमेंट? कोई भी एम्बैकमेंट जिसकी हाइट, सपोज दैट दिस इज एन एम्बैकमेंट एंड दिस इज द हाइट, कोई भी एम्बैकमेंट जिसकी हाइट जो है वो 5 मीटर से कम है तो वो लो या मीडियम एम्बैकमेंट है, और अगर हाइट इज ग्रेटर देन 5 मीटर देन दैट एम्बैकमेंट इज व्हाट? हाई एम्बैकमेंट। तो एनी फाउंडेशन ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर द एम्बैकमेंट स्पेशली हाई एम्बैकमेंट रेस्टिंग ऑन ससेप्ट फाउंडेशन एज रिवील्ड बाई बोर होल लॉक्स, बोर होल करने के बाद जो लॉक्स मिले, शैल बी कैरिड आउट इन अ मैनर एंड टू द डेप्थ एज डिजायर्ड बाई द इंजीनियर। नेक्स्ट वेर द ग्राउंड ऑन विच एन एम्बैकमेंट इज टू बी बिल्ट हैज एनी ऑफ सच मटेरियल टाइप ए टू एफ इन द क्लॉज नंबर दिस एट लीस्ट 500 mm ऑफ सच मटेरियल मस्ट बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाई ससेप्टिबल सॉरी एक्सेप्टिव एक्सेप्टेबल फिल मटीरियल बिफोर एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन कमेंसेस। तो ये जो भी हम लोग पैरा देख रहे हैं एक एक पैरा, ये पैरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखे जरूर हैं, लेकिन इन सारे पैरा को आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यही पैरा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारे के सारे पैराग्राफ एक एक क्लॉज आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं क्लॉज से क्वेश्चन बनता है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस पर बहुत ही कम लोग बात भी करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन, इस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते, हालांकि एम्बैकमेंट टॉपिक पर ही लोग बहुत कम बात करते हैं, इसीलिए हमने इस टॉपिक को चुना, ठीक है। तो इसके सारे पैरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लोगों को क्या लगता है एम्बैकमेंट, ठीक है, पढ़ लेते हैं, टाइप्स वगैरह फेलियर पैटर्न देख लेते हैं, और छोड़ क्या देते हैं, मोर्थ के स्पेसिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट मोर्थ स्पेसिफिकेशन ही है, ठीक है। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं, तो कई लोगों को इसमें क्या लगता है कि हम इसको पढ़ेंगे हमको बोरियत महसूस होगी, बोरियत तो आपको निश्चित ही महसूस होगी, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा, तो या तो आप बोरियत ले लें या तो आप क्वेश्चन सही कर लें, ठीक है। तो
बोर आपको बिल्कुल नहीं होना है। जनरली मैं लंबे लेक्चर ही लेता हूँ, छोटे लेक्चर जो होते हैं 10-20 मिनट वाले लेक्चर में कोई सा भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। उसमें लोग क्या करते हैं, दो चार क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं और बता देते हैं ऐसा होता है वैसा होता है। हम वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत ही कम वीडियोस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जिस भी वीडियोस पे बात कर रहे हैं उस वीडियोस पे हम कंप्लीट बात कर रहे हैं। आगे भी इसी तरीके के लेक्चर होंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चों के रिव्यू मुझे मिले और मैं और भी चाहूँगा कि आप ये जो रिव्यू है मुझे आप वीडियो में कमेंट्स करके बताएं कि आप और किस तरीके के टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। और ऐसे वीडियोस और भी हम आगे लेके आते रहेंगे। अभी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हाईवे की, तो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सब्जेक्ट, अभी हम इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। देन अगर कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कशन करूं, तो उस टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो रिफ्रेश हो जाइए अगेन से, ठीक है। और आप लंबा लेक्चर है तो आप बीच में जब भी आपको वैसा लगे तो आप इसको बीच में पॉज करिए, देन थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट लीजिए और उसके बाद अगेन आप लेक्चर को चालू कर सकते हैं। तो हम वापस से लौटते हैं कि जब ग्राउंड जिस पर एम्बैकमेंट बनाया जा रहा है, टू विच ऑन विच द एम्बैकमेंट इज टू बी बिल्ट, हैज एनी ऑफ सच मटेरियल ए टू एफ, ए टू एफ रिमेंबर करिए, ए टू एफ में कौन से मटेरियल थे, वही कौन से मटेरियल, ओ एल, ओ आई, ओ एच, पीट, मार्सी सॉइल, इस टाइप के मटेरियल थे जिनकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है, जिनकी लिक्विड लिमिट ज्यादा है, जिनका फ्री स्वेलिंग इंडेक्स ज्यादा है। ए टू एफ में जो मटेरियल बात किए थे, वो मटेरियल जब भी हो तब एटलीस्ट 500 mm ऑफ सच मटेरियल मस्ट बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाई एक्सेप्टेबल फिल मटीरियल बिफोर एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन कमेंसेस। द एम्बैकमेंट एंड सबग्रेड मटीरियल शैल बी स्प्रेड इन लेयर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन द इंटायर विड्थ ऑफ ए मोटर ग्रेडर। क्या कहा जा रहा है कि एम्बैकमेंट और सबग्रेड के मटीरियल जब भी स्प्रेड किए जाएंगे यहां, तो यूनिफॉर्म लेयर की थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस की लेयर में स्प्रेड किए जाएंगे और कंपैक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट पैरा क्या है, क्या कह रहा है इसका क्लॉज, द कंपैक्टेड थिकनेस ऑफ ईच लेयर शैल नॉट बी मोर देन 250 mm। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है कि कंपैक्टेड थिकनेस ऑफ ईच लेयर शैल नॉट बी मोर देन 250 mm, जबकि आप वाइब्रेटरी रोलर या वाइब्रेटरी सॉइल कंपैक्टर का यूज कर रहे हैं, एंड दिस कंपैक्टेड थिकनेस शैल नॉट बी मोर देन 200 mm, जब आप 80-100 किलो न्यूटन का स्टैटिक रोलर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर दो अलग अलग रोलर हैं जिनके बेस्ड पर आपकी थिकनेस डिपेंड करती है। नेक्स्ट, सक्सेसिव लेयर शैल नॉट बी प्लेस्ड अंटिल द लेयर अंडर कंस्ट्रक्शन हैज बीन थ्रूली कंपैक्टेड टू द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एज इन टेबल 3002 एंड गॉट अप्रूव्ड बाई द इंजीनियर। सपोज दैट आपने पहली लेयर जो है स्प्रेड की, कंपैक्ट किया, क्या किया, कंपैक्शन किया, तो दूसरी लेयर तब तक आपको नहीं इसके ऊपर प्लेस करनी है जब तक इसका कंपैक्शन फुल नहीं हो गया और इसको अप्रूव नहीं कर दिया गया। नेक्स्ट, ईच कंपैक्टेड लेयर शैल बी फिनिश्ड पैरेलल टू फाइनल क्रॉस सेक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोगों को पता नहीं है कि हाउ द कैम्बर इज प्रोवाइडेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कैम्बर क्या होता है, क्रॉस स्लोप है। कैम्बर क्या है, क्रॉस स्लोप है, जो पेवमेंट है उस पेवमेंट से वाटर को ड्रेन कैसे करें। ये वाटर अगर इधर आ गया रेनफॉल का, इसको ड्रेन कैसे करें, इधर कैसे ले जाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली रोड की सेंटर लाइन से दोनों तरफ एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं। कितना स्लोप डिपेंड करता है उस जगह की टेरेन टोपोग्राफी और उस जगह के रेनफॉल पैटर्न के ऊपर, कितना रेनफॉल हो रहा है और टाइप ऑफ रोड क्या है उसके ऊपर, जो कि एक हाईवे का टॉपिक है जिस पर अलग से बात की जाएगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये वाटर ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन करना है आपको, ये
आपको कहाँ से स्टार्ट कर देना है, ये क्रॉस स्लोप, ये कैम्बर आपको कहाँ से स्टार्ट कर देना है, एम्बिकमेंट से ही स्टार्ट कर देना है। देखो, ईच कंपैक्टेड लेयर शैल बी फिनिश्ड पैरेलल टू द फाइनल क्रॉस सेक्शन, यानी जो फाइनल क्रॉस सेक्शन है ईच लेयर इसके पैरेलल होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, किसी भी आपको नोट्स में आपको यहाँ नहीं मिलेगा, नोट्स में नहीं मिलेगा, जनरली नहीं मिलेगा, कहीं भी आप ढूंढेंगे वहाँ नहीं मिलेगा। आपको कहाँ मिलेगा ये? आपको मिलेगा ये मोर्थ के स्पेसिफिकेशन में, जिसको लोग नहीं पढ़ते हैं। जब आप किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, एनी डिपार्टमेंट, अगर रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, स्पेसिफिकेशन कौन से फॉलो करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, देन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जनरली आज की जो हम बात कर रहे हैं, हमने शुरू में भी कहा था कि आज हम सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के स्पेसिफिकेशन में जो बातें एम्बिकमेंट को लेकर की गई हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, जिन पर जनरली बहुत ही कम लोग बात करते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो है तो खाना पूर्ति करना नहीं है, ठीक है। इसलिए हम आपको मोर्थ की भी बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल शैल बी चेक्ड एट द साइट ऑफ प्लेसमेंट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द कंपैक्शन, इफ फाउंड टू बी आउट ऑफ एग्रीड लिमिट द सेम शैल बी मेड गुड, ठीक है। सो आप ये एक कंपैक्शन वाली क्राइटेरिया, दूसरा फर्स्ट लेयर से ही फिनिश्ड लेयर के पैरेलल क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लेके चलना है वो क्राइटेरिया, ठीक है, और थ्रूली कंपैक्टेड ना हो जाने तक दूसरी लेयर को प्लेस नहीं करना, ये तीन क्राइटेरिया याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हम तो तैयारी करते ही नहीं है तो ये वीडियो क्यों देखें, ये वीडियो आप तब भी देखें कि जब आप साइट पर जाएंगे तब भी आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, वॉट एवर द वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन सच कंस्ट्रक्शन, वाटर शैल बी स्प्रिंकल्ड फ्रॉम ए वाटर टैंकर फिटेड विद ए स्प्रिंकलर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग वाटर यूनिफॉर्मली विद ए कंट्रोलेबल रेट ऑफ फ्लो टू वेरिएबल विड्थ ऑफ सरफेस बट विदाउट एनी फ्लडिंग। कोई बात इंपॉर्टेंट इसमें इतनी ज्यादा है नहीं, आप खुद ही समझ सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। द वाटर शैल बी एडेड यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट, इफ द मटीरियल डिलीवर्ड टू द रोड बेड इज टू वेट, it shall be dried. Should circumstances arises where owing to the wet weather the moisture content cannot be reduced to the required amount by the approved procedure, compaction work shall be suspended. Moisture content of each layer of soil shall be checked in accordance with IS 2720 part 2 unless otherwise mentioned, it shall be adjusted, making due allowances for the evaporation loss that at the time of compaction is in the range of 1 to 2% above to 2% below the optimum moisture content. यानी कि जब भी आप moisture content check करेंगे fill material का, ठीक है, तो जब तक कि mention न किया जाए, तब तक जब मेंशन किया जाएगा तो जितना मेंशन किया जाएगा उतना आप अलाउंस रखेंगे, और जब मेंशन नहीं किया जाएगा तो इवेपोरेशन के लॉस से बचने के लिए 1% ज्यादा से लेके 2% कम तक, किसका 1% ज्यादा? ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसी सॉइल का वो वाटर कंटेंट है, उसमें मौजूद पानी की वो मात्रा है जिस वाटर कंटेंट पे वो सॉइल जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देती है। एक गिवन सॉइल की ड्राई डेंसिटी की अधिकतम पॉसिबल वैल्यू वाटर कंटेंट की जिस वैल्यू पर होती है वाटर कंटेंट की, वही वैल्यू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाए तब तक इवेपोरेशन लॉस के लिए आपको कितना अलाउंस रखना है? 1% अबव ओएमसी से 2% बिलो ओएमसी, ठीक है, यानी ओएमसी के 1% ज्यादा से 2% कम, ये रेंज बताई जा रही है। एक्सपेंसिव सॉइल साल हाउएवर बी कंपैक्टेड एट द मॉइस्चर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफाइड ड्राई डेंसिटी बट ऑन द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। व्हाट इज द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट? ओएमसी से ज्यादा वाटर कंटेंट है तो वेट साइड है,
OMC से कम वाटर कंटेंट है तो ट्राई। सपोज दैट किसी सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है 40%, तो 41% वेट टू OMC है एंड 39% ड्राई टू OMC है। तो क्या कहा जा रहा है कि जब भी एक्सपेंसिव सॉइल तो वैसे हमें प्लेस करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी प्लेस की और कंपैक्ट की तो कंपैक्ट करते समय उसका कंपैक्शन के टाइम पे जो मॉइस्चर कंटेंट रखेंगे वो ऐसा हो ताकि ड्राई डेंसिटी अचीव हो मैक्सिमम वाली, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो OMC के वेट साइड में हो, ऑब्टेंड फ्रॉम दी लैबोरेटरी कंपैक्शन को। नेक्स्ट, क्लॉट्स आर द हार्ड लम्स ऑफ द अर्थ शैल बी ब्रोकन टू हैव अ मैक्सिमम साइज ऑफ 75 mm व्हेन बीइंग प्लेस्ड इन द एम्बैकमेंट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ 50 mm व्हेन बीइंग प्लेस्ड इन द सबग्रेड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन यूर फील इज टू बी डिपॉजिटेड अगेंस्ट द फेस ऑफ ए नेचुरल स्लोप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट एक नेचुरल स्लोप है ऐसा, अब यहां आपको कोई फील करना है, इस नेचुरल स्लोप में आपको यहां कोई फील करना है ऐसा, अगेंस्ट द फेस ऑफ ए नेचुरल स्लोप। ये एक हिल एरिया है, ये नेचुरल स्लोप है और यहां आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको एक फील करना है ऐसा, ठीक है। तो वन एवर द फील इज डिपॉजिटेड अगेंस्ट द फेस ऑफ ए नेचुरल स्लोप आर स्लोपिंग अर्थवर्क फेस एक्सक्लूडिंग एम्बैकमेंट कटिंग अदर फील्स एंड एक्सकेवेशन स्टीपर देन 1:4, यानी 1 vertical to 4 horizontal से ज्यादा के स्लोप, सच फेसेस शैल बी बेंच्ड एज पर क्लॉज 305.4.1 इमीडिएटली बिफोर प्लेसिंग द सब्सिक्वेंट फील, ठीक है। तो इससे ज्यादा 1:4 से ज्यादा के स्लोप हैं, इससे ज्यादा स्टीपर स्लोप हैं, तो इस तरीके के फेसेस को बेंच्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं कंपैक्शन की तरफ। हमने बैरो एरिया सेलेक्ट किया, उससे कौन सी सॉइल उठानी है वो सेलेक्ट किया, उसके एक्सकेवेशन के क्राइटेरिया देखे कैसे एक्सकेवेट करेंगे, फिर हमने ये देखा कि जो फर्स्ट लेयर है टॉप सॉइल उसको हटा के उसको स्ट्रिप आउट करके कैसे उसका यूज करना है, उस पर फर्स्ट लेयर की फिलिंग कैसे करनी है, रोल कितना करना है, कंपैक्टेड लेयर की थिकनेस कितने से कितनी होनी चाहिए, देन उसके कुछ क्राइटेरिया देखे, उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कंपैक्शन की, ठीक है। अब कंपैक्शन पे आ रहे हैं तो ओनली द कंपैक्शन इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर शैल बी एम्प्लॉयड। कंपैक्शन की बात करेंगे तो कंपैक्शन इक्विपमेंट की बात भी करनी पड़ेगी, यानी जो अप्रूव्ड कंपैक्टिंग इक्विपमेंट है सिर्फ वही यूज किए जा सकते हैं इसको कंपैक्ट करने के लिए। जैसे कि कौन कौन से अप्रूव्ड कंपैक्टिंग इक्विपमेंट है, स्टैटिक 3-wheeled रोलर, सेकेंड सेल्फ प्रोपेल्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर, थर्ड टेंडम वाइब्रेटरी रोलर, फोर्थ न्यूमेटिक टायर रोलर, नेक्स्ट पैड फुट रोलर, ठीक है। ये जो कंपैक्टिंग इक्विपमेंट का टॉपिक है ये अपने आप में खुद एक लंबा टॉपिक है जिस पे एक लंबे लेक्चर करीब 1.5 या 2 घंटे या लगभग एवरेज बात करें तो 1.5 घंटे के लेक्चर में बात की जा सकती है, ठीक है। तो कभी नेक्स्ट फुर्सत में इस पे हम बात करेंगे, अभी तो खैर हम हाईवे पे बात कर रहे हैं, और जैसा कि अभी हम एम्बैकमेंट पे बात कर रहे हैं वैसा हम बेस पे भी बात करेंगे, बेस कैसे कंस्ट्रक्ट करें, फिर हम बात करेंगे कि सब बेस कैसे कंस्ट्रक्ट करें, सबग्रेड कैसे कंस्ट्रक्ट करें, और जो टॉप लेयर है पेवमेंट स्ट्रक्चर है चाहे बिटुमिनस हो, WBM हो, अर्थेन हो, ग्रेवल्ड हो, ब्रिक रोड हो, आपका सीमेंट कंक्रीट का हो, RCC का हो, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, तो ये एक पूरी सीरीज है जिस पे हम बात करने वाले हैं। इसके बाद ये इस तरीके के टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे कंपैक्टिंग इक्विपमेंट जो हैं, या यूं कहें कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पे ही हम, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पे एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी स्क्रैपर, डोजर, रोलर, एक्सकेवेटर, कंपैक्टर, इस तरीके के जो भी इक्विपमेंट है उन पर बात करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इनको याद रखना है कि ये कंपैक्टिंग इक्विपमेंट है। नेक्स्ट, कंपैक्शन के कुछ क्राइटेरिया है कि द कंपैक्शन शैल बी डन विद द हेल्प ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर आर पैड फुट वाइब्रेटरी रोलर ऑफ 80 to 100 kN स्टैटिक वेट आर हैवी न्यूमेटिक टायर रोलर, न्यूमेटिक टायर रोलर याद रखें इसको, हैवी न्यूमेटिक टायर रोलर ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी कैपेबल ऑफ अचीविंग द रिक्वायर्ड कंपैक्शन। देखिए जो
कंस्ट्रक्शन हम यहाँ करने जा रहे हैं एम्बैकमेंट का, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो है क्या, कंपैक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है, कंपैक्शन। अगर आपने एडिक्वेट कंपैक्शन नहीं किया तो क्या होगा, सेटलमेंट। और यही इसके फेलियर की वजह है, इसीलिए हम कंपैक्शन पे लंबी बात कर रहे हैं। ईच लेयर ऑफ द मटेरियल शैल बी थ्रूली कंपैक्टेड टू द डेंसिटी स्पेसिफाइड इन द टेबल 3002। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट स्पेसिफाइड कंपैक्शन इज नॉट अचीव्ड, द मटेरियल इन द सॉफ्ट एरिया शैल बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाई अप्रूव्ड मटेरियल। यानी अगर स्पेसिफाइड कंपैक्शन अचीव नहीं होता तो सॉफ्ट एरिया, कुछ ही ऐसे एरिया होते हैं जहां अचीव नहीं होता, वहां का मटेरियल रिमूव करके और उसको रिप्लेस करेंगे अप्रूव्ड मटेरियल से। कंपैक्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट मैकेनिकल मीन्स सच एज द लाइट वेट वाइब्रेटरी रोलर, डबल ड्रम वॉक बिहाइंड रोलर, वाइब्रेटरी प्लेट कंपैक्टर, ट्रेंच कंपैक्टर और वाइब्रेटरी टैम्पर टू द डेंसिटी रिक्वायरमेंट। यानी एक्चुअली आपको क्या करना है, कंपैक्ट करना तो है ही, पर पता कैसे चलेगा कितना कंपैक्ट करना है, डेंसिटी रिक्वायरमेंट की टेबल से। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है इसमें, इसको बहुत आसान बनाया गया है। अब देखिए कंपैक्शन रिक्वायरमेंट की टेबल, एक हमने डेंसिटी रिक्वायरमेंट की टेबल देखी थी, अब दूसरी टेबल देख रहे हैं कंपैक्शन रिक्वायरमेंट की टेबल। अब कंपैक्शन रिक्वायरमेंट की टेबल क्या, वो टेबल 3001 थी और ये 3002 है। टाइप ऑफ वर्क या मटेरियल की बात करते हैं, अगर कोई सा सबग्रेड है या अर्थन सोल्डर है, अर्थन सोल्डर का मतलब सपोज दैट ये आपने रोड बनाई तो ये हो गया अर्थन सोल्डर, ठीक है, या फिर आपका ये एम्बैकमेंट है या नहीं भी है तो एक सबग्रेड है जिसके ऊपर आप फर्दर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अपनी रोड बनाना चाहते हैं, दिस इज द सबग्रेड, दिस इज योर रोड, यानी जो भी फाउंडेशन पोर्शन है, सबग्रेड एंड अर्थन सोल्डर। तो इसका जो रिलेटिव कंपैक्शन है एज ए परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लेबोरेटरी ड्राई डेंसिटी, यानी ड्राई डेंसिटी का मैक्सिमम परसेंटेज, ठीक है, एज पर आईएस 2720 पार्ट 8, नॉट लेस देन 97%। यानी कि अगर सबग्रेड और अर्थन सोल्डर के लिए आप देख रहे हैं तो उसका रिलेटिव कंपैक्शन जबकि ड्राई डेंसिटी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा तो 97% से कम नहीं होगा, क्योंकि कंपैक्शन कैलकुलेट, रिलेटिव कंपैक्शन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। यहां हम कैसे कंपैक्ट कर रहे हैं, यहां हम तरीका यूज कर रहे हैं ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाई ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो एम्बैकमेंट अगर है तो एम्बैकमेंट के लिए रिलेटिव कंपैक्शन शैल नॉट बी लेस देन 95%। थर्ड, अगर आपने एक्सपेंसिव क्ले की बात करी है तो सबग्रेड एंड 500 mm पोर्शन जस्ट बिलो दी सबग्रेड, देखो ये हर जगह आ रहा है क्या, सबग्रेड में जो 500 mm पोर्शन जस्ट बिलो दी सबग्रेड होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, ठीक है। तो उसका रिलेटिव कंपैक्शन जो है एज परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लेबोरेटरी ड्राई डेंसिटी एज पर दिस इज नॉट अलाउड, यानी ये नॉट अलाउड की लिमिट में है। और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एम्बैकमेंट जो है वो 90-95% जो है उसकी लिमिट है। अब यहां पर एक स्पेशल जो पैरा है वो क्या कह रहा है कि द कॉन्ट्रैक्टर शॉल एट लीस्ट 7 working days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपैक्शन सबमिट द फॉलोइंग टू द इंजीनियर फॉर अप्रूवल। यानी कॉन्ट्रैक्टर जो होगा कंपैक्शन करने के 7 days पहले ये बता देगा क्या, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ओएमसी कंटेंट ऑब्टेंड इन अकॉर्डेंस विद दिस एप्रोप्रिएट फॉर ईच द फिल मटेरियल इन मटेरियल्स द इंस्टेंट टू यूज। यानी जो फिल मटेरियल अगले टाइम में यूज करने वाला है वो फॉर एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन, उसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वैल्यू क्या है और उसका ओएमसी वैल्यू क्या है, जबकि टेस्ट किया जाएगा 2720 के हिसाब से, सो दैट वो रिलेटिव कंपैक्शन की वैल्यूज देख सके, ठीक है। ए ग्राफ ऑफ ड्राई डेंसिटी प्लॉटेड अगेंस्ट मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम विच ईच ऑफ द वैल्यू इन वन अबव ऑफ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वेयर डिटरमाइंड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैकमेंट एंड सब ग्रेड अंडर स्पेशल कंडीशन। अब कुछ 2-4 स्पेशल कंडीशन है जिसमें एम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है अर्थवर्क फॉर द वाइडनिंग एग्जिस्टिंग रोड एम्बैकमेंट। सपोज दैट आपके पास पहले से ही कोई बना बनाया एम्बैकमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको अर्थवर्क करना है। देन व्हेन एन एग्जिस्टिंग
एम्बैकमेंट एंड आर सबग्रेट इज टू बी वाइडेंड, उसको वाइडनिंग करनी है, एंड इट्स स्लोप आर स्टीपर देन वन वर्टिकल टू फोर हॉरिजेंटल। यानी जब हमको इस बने बनाए एम्बैकमेंट की या तो विड्थ को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, दूसरा ठीक है, और इसका जो स्लोप है 1:4 से ज्यादा का है। कंटिन्यूस हॉरिजेंटल बेंचेस ईच एटलीस्ट 300 mm वाइड शैल बी कट इनटू द ओल्ड स्लोप फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट बॉन्ड विद द फ्रेश एम्बैकमेंट। तब आपको क्या करना है, तब आपको करना यह है कि ये आपका ओल्ड स्लोप था, आपने वाइडनिंग की, तो ओल्ड स्लोप में ये आपने इस तरीके से बेंच बना दिए, वाइडनिंग तो की लेकिन जो आपका ओल्ड स्लोप है, ठीक है, ये ओल्ड स्लोप था, उसी स्लोप में आपने बेंचिंग कर दी, ठीक है। एटलीस्ट 300 mm वाइड शैल बी कट इनटू द ओल्ड स्लोप फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट बॉन्ड विद द फ्रेश एम्बैकमेंट या सबग्रेड मटेरियल टू बी एडेड। नाउ द मटेरियल ऑब्टेंड फ्रॉम कटिंग ऑफ बेंचेस कुड बी यूटिलाइज्ड इन वाइडनिंग ऑफ एम्बैकमेंट, ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। नेक्स्ट, व्हेन द एग्जिस्टिंग स्लोप अगेंस्ट व्हिच द फ्रेश मटेरियल इज टू बी प्लेस्ड इज फ्लैटर देन 1:4, द स्लोप सरफेस मे ओनली बी प्लाउड आर कैरिफाइड इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू बेंचिंग। यानी ये डिपेंड कर रहा है किस पर, ये डिपेंड कर रहा है स्लोप पर। अगर आपका स्लोप 1:4 से स्टीपर है तो आपको क्या करना है, बेंचिंग करना है, और 1:4 से ये क्या है, फ्लैटर है, देन आपको क्या करना है, सिर्फ प्लाउइंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, वेर द विड्थ ऑफ द वाइडेंड पोर्शन इज इनसफिशियंट टू परमिट द यूज ऑफ कन्वेंशनल रोलर, कंपैक्शन शैल बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइट वेट वाइब्रेटरी रोलर या डबल ड्रम वॉक बिहाइंड रोलर या वाइब्रेटरी प्लेट कंपैक्टर या वाइब्रेटरी टैम्पर और एनी अदर अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको अर्थ वर्क करना है फॉर एम्बैकमेंट एंड सब ग्रेड टू बी प्लेस्ड अगेंस्ट द स्लोपिंग ग्राउंड, दूसरे टाइप का स्पेशल कंडीशन में बनाया गया एम्बैकमेंट, पहला बने बनाए एम्बैकमेंट की वाइडनिंग, दूसरा ऐसे एम्बैकमेंट के लिए आपको क्या करना है, अर्थवर्क करना है जो कि प्लेस किया जाना है अगेंस्ट स्लोपिंग ग्राउंड, तब क्या करेंगे आप, तब आपको क्या करना है, एम्बैकमेंट या सबग्रेड इज टू बी प्लेस्ड अगेंस्ट स्लोपिंग ग्राउंड, द लेटर शैल बी अप्रोप्रिएटली बेंच्ड और प्लाउड, यानी पुराना क्राइटेरिया पकड़ना है आपको, बिफोर प्लेसिंग द एम्बैकमेंट सबग्रेड मटेरियल, ठीक है। एक्स्ट्रा अर्थवर्क इन्वॉल्व इन द बेंचिंग आर ड्यू टू द प्लॉइंग कैरिफाइड एटसेट्रा शैल बी कंसिडर्ड इंसिडेंटल टू द वर्क। यानी ये किससे रिलेटेड है, यानी ये वर्क और उसके पेमेंट से रिलेटेड क्लॉज की बात यहां पर ये लोग कर रहे हैं। फॉर वेट कंडीशन बेंचेस विद द स्लाइटली इनवर्ड फॉल एंड सबसॉइल ड्रेन एट द लोवेस्ट पॉइंट शैल बी प्रोवाइडेड एज पर द ड्राइंग बिफोर द फिल इज प्लेस्ड अगेंस्ट द स्लोपिंग ग्राउंड। यानी ये भी माइन्यूट सा जो है स्पेसिफिकेशन है और एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही यूज है, एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्लास में ये लोग क्या कह रहे हैं कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसवर्स सब सरफेस ड्रेन एट द कट फिल इंटरफेस वर्क ऑन द सेम शैल बी कैरिड आउट टू क्लास नंबर 309, ठीक है, इन प्रॉपर सिक्वेंसेस विद द एम्बैकमेंट एंड सबग्रेड वर्क। ये भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन पे एग्जीक्यूट करने के टाइम पे यूज होने वाले जो हैं तो स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट, अर्थवर्क ओवर एग्जिस्टिंग रोड सरफेस, एग्जिस्टिंग पहले से ही रोड बनी बनाई है उसके ऊपर हमको अर्थवर्क करना है, पेमेंट बनाने के लिए हमको क्या करना है, एम्बैकमेंट बनाना है। वेयर द एम्बैकमेंट इज टू बी प्लेस्ड ओवर एन एग्जिस्टिंग रोड सर्फेस द वर्क शैल बी कैरिड आउट एज इंडिकेटेड बिलो। तो यहां पर ये लोग तीन क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। पहले क्राइटेरिया में क्या कर रहे हैं कि इफ द एग्जिस्टिंग रोड सरफेस इज ग्रैनुलर टाइप, अगर वो ग्रैनुलर नेचर की है, ग्रेन्स है उसमें, ठीक है, वो क्ले नहीं है, ग्रेन्स है, कोर्स है, एंड इट लाइज विद इन 1 meter ऑफ द न्यू फॉर्मेशन लेवल, और जो नया फॉर्मेशन बनेगा, फॉर्मेशन से तात्पर्य क्या होता है,
जो फाइनल रोडवे विड्थ आती है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं अपना ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये फॉर्मेशन है, ये जो डार्क पोर्शन है दिस इज़ द फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने बनाया है अपना पेवमेंट स्ट्रक्चर, ये आपका सबग्रेड है, और ये हो गया एंटायर आपका एम्बिकमेंट। ये एग्जिस्टिंग रोड सरफेस थी, ये क्या थी एग्जिस्टिंग, इस एग्जिस्टिंग रोड सरफेस के ऊपर आपने एम्बिकमेंट बनाया, और दिस इज द न्यू फॉर्मेशन जिसके ऊपर आप पेवमेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर क्या है कि इफ द एग्जिस्टिंग रोड सरफेस ऑफ ग्रेनुलर टाइप इज ऑफ ग्रेनुलर टाइप एंड लाइज विद इन द 1 मीटर ऑफ द न्यू फॉर्मेशन, यानी ये न्यू फॉर्मेशन के 1 मीटर में लाई कर रही है, इट शैल बी स्कैरिफाइड टू ए डेप्थ ऑफ 50 mm आर सो एज डायरेक्टेड सो एज टू प्रोवाइड द एम्पल बॉन्ड बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू मटीरियल इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट 500 mm पोर्सन बिलो द टॉप ऑफ द न्यू सब ग्रेड लेवल इज कम्पैक्टेड टू द डिजायर डेंसिटी। यानी कि जो नया बन रहा है उसके ये ओल्ड आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस था, एग्जिस्टिंग रोड सरफेस था, एग्जिस्टिंग रोड सरफेस और नए रोड सरफेस के बीच में अगर आपका 1 मीटर का ही डिस्टेंस है तो एग्जिस्टिंग को 50 mm क्या करना है स्कैरिफाइड अलग करना है, एक्सकेवेट करके अलग कर देना है, ठीक है, और ये इंश्योर करना है कि टॉप 500 mm पोर्सन जो है नए सबग्रेड के नीचे वाला डिजायर्ड डेंसिटी तक कम्पैक्ट हो, यानी नए सबग्रेड के 500 mm नीचे तक डिजायर्ड डेंसिटी तक कम्पैक्ट हो। इफ द एग्जिस्टिंग रोड सर्फेस इज ऑफ बिटुमिनस टाइप आर सीमेंट कंक्रीट एंड लाइज विद इन 1 मीटर ऑफ द न्यू फॉर्मेशन लेवल द बिटुमिनस आर सीमेंट कंक्रीट लेयर शैल बी रिमूव्ड कंप्लीटली। यानी अगर एग्जिस्टिंग रोड सर्फेस बिटुमिन की है या सीमेंट कंक्रीट की है और लाई कर रही है विद इन 1 मीटर ऑफ न्यू फॉर्मेशन लेवल, यानी पुरानी वाली जो थी ये बिटुमिन की थी या कंक्रीट की थी और नई जो बनने वाली है उसके विद इन 1 मीटर लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है, देन द बिटुमिनस और द सीमेंट कंक्रीट लेयर शैल बी रिमूव्ड कंप्लीटली, ठीक है, इसको कंप्लीटली रिमूव कर देना। थर्ड क्या कह रहे हैं कि अगर द लेवल डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग रोड सर्फेस एंड द न्यू फॉर्मेशन लेवल इज मोर देन 1 मीटर द एग्जिस्टिंग सर्फेस शैल बी रफ्ड आफ्टर इंश्योरिंग दैट द मिनिमम थिकनेस ऑफ 500 mm ऑफ सबग्रेड इज अवेलेबल। ठीक है, तो यही बातें हैं इसमें। नाउ लास्ट एम्बेकमेंट कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अंडर वाटर का एम्बेकमेंट कंस्ट्रक्शन करना है, यानी एम्बेकमेंट कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर एंड वाटर लॉक्ड एरिया में क्या होगा, तो क्या स्पेसिफिकेशन है, वेयर द फिलिंग आर बैक फिलिंग इज टू बी प्लेस्ड अंडर वाटर ओनली एक्सेप्टेबल ग्रेनुलर मटीरियल्स आर रॉक शैल बी यूज्ड अनलेस अदरवाइज अप्रूव्ड बाय इंजीनियर। यानी जिस एरिया में बैकफिलिंग करनी है या फिलिंग करनी है उस एरिया में अगर पानी जो है वहाँ पर, ठीक है, तो ओनली एक्सेप्टेबल ग्रेनुलर मटेरियल ही आप फिल कर सकते हैं या रॉक को फिल कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल ग्रेनुलर मटेरियल शैल बी ऑफ GW मींस ग्रेवल वेल ग्रेडेड, जी फॉर ग्रेवल, W फॉर वेल ग्रेडेड, एस फॉर सैंड, W फॉर वेल ग्रेडेड, सैंड वेल ग्रेडेड, G for gravel, poorly graded, S for sand, poorly graded, these can be used, यानी well graded and poorly graded sand and gravel can be used as per IS 1498 and consist of the graded hard durable particle with the maximum particle size not exceeding 75 mm। तो entire lecture के दौरान आपने देखा होगा कि किसी भी course material की size 75 mm से ज़्यादा नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। द मटेरियल शुड बी नॉन प्लास्टिक, और हर जगह आपने लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के क्राइटेरिया देखे हैं और हम हर जगह आपने देखा है कि नॉन एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करना है, एक्सपेंसिव को नहीं यूज करना, ब्लैक कॉटन सॉइल को यूज नहीं करना, पीट को यूज नहीं करना, ऑर्गेनिक मैटर को यूज नहीं करना। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। तो द मटेरियल शुड बी नॉन प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक नेचर का नहीं हो, हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ नॉट लेस देन 10, यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी नॉट लेस देन 10, 10 से कम यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट का नहीं होना चाहिए। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। द मटीरियल प्लेस्ड इन ओपन वाटर शैल बी डिपोजिटेड बाई इंड टिपिंग विदाउट कंपैक्शन, यानी इसको क्या करना है, इंड टिपिंग से प्लेस करना है और कंपैक्शन नहीं करना, ठीक है।
नेक्स्ट स्पेशल क्राइटेरिया क्या, एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन इन द वाटर लॉग्ड एंड मार्सी एरिया, जहां वाटर की लॉगिंग होती है, ठीक है, वाटर लॉगिंग से वहां पे वाटर कलेक्ट रहता है, और जहां पर दलदल वाला इलाका है वहां पर हमको वर्क कैरी करना है एज पर IRC 34 क्लाज के हिसाब से, IRC 34 जो है स्टैंडर्ड उसके हिसाब से, उसके जो भी क्लाज है उसके हिसाब से, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आज तक की पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन से। पहला क्वेश्चन है, द रोलर दैट यूजेस बोथ टैंपिंग एंड नीडिंग इज, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे जैसे मैं इस वीडियो को आपको आगे डिस्कस करता जाऊंगा, इस वीडियो में आपसे आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, वैसे वैसे आपको पहले खुद ही प्रयास करना है, अपने मन में खुद ही सोचना है कि इनका जवाब हम कैसे दें, कैसे एक आंसर हम निकालें, ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो आप अटेंड कर ही चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, द रोलर दैट यूजेस बोथ टैंपिंग एंड नीडिंग, ऐसा कौन सा रोलर है जो टैंपिंग एंड नीडिंग, हमने इस पर बात नहीं की है, हम इस पर बात करने वाले हैं सेपरेटली किसी पर, चूंकि ये इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है इस पर, ठीक है। तो वो एक्चुअली सी फुट रोलर है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा बात की है पर डिटेल में बात नहीं की, तो वो करेक्ट आंसर क्या है, सी फुट रोलर है जो क्या करता है, टैंपिंग भी करता है और नीडिंग भी करता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट इंक्रीजेस, अगर किसी एम्बैकमेंट की हाइट जितनी है उससे ज्यादा इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, स्लोप गड़बड़ हो जाएगा, स्लोप गड़बड़ हो जाएगा, तो स्लोप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, नहीं, स्लोप की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं, रॉन्ग आंसर, स्लोप की स्टेबिलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कांट बी एन आंसर, स्लोप हैज टू रिड्यूस्ड, स्लोप को कम किया जाना चाहिए, हो सकता है, स्लोप नीडेड टू बी फ्लैटेंड, ज्यादा चांसेस हैं, सो वी विल गो विद दिस डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द फिल मटेरियल यूज्ड इन द एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट में पीट नहीं फिल कर सकते, सिल्ट नहीं फिल कर सकते, क्ले एक्सपेंसिव है नहीं फिल कर सकते, सो ग्रैनुलर सॉइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द सेटलमेंट इज ड्यू टू, सेटलमेंट किसकी वजह से है, मोर कंपैक्शन, कंपैक्शन ज्यादा कर देने की वजह से, नहीं, कंपैक्शन तो किया ही इसलिए था कि बाद में सेटलमेंट ना हो, सो दिस कांट बी एन आंसर, इनएडिक्वेट कंपैक्शन कैन बी एन आंसर, टेम्परेचर इज नॉट एन आंसर, एयर प्रेशर, सो बी इज द करेक्ट आंसर, इनएडिक्वेट यानी अच्छे से ना किया गया कंपैक्शन ही सेटलमेंट का रीजन है। द स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन इज चेक्ड टू इंश्योर, फाउंडेशन की स्टेबिलिटी क्या इंश्योर करने के लिए चेक की जाती है, ए लेटरल स्ट्रेंथ, नहीं, दिस इज नॉट एन आंसर, बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यह भी आंसर नहीं है, सी शियर स्ट्रेंथ आंसर है, डी टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट एन आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, शियर स्ट्रेंथ, फाउंडेशन की स्टेबिलिटी क्या इंश्योर करने के लिए चेक करी जाती है, शियर स्ट्रेंथ, हमने लेक्चर में इस पर बात की है। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप चेंजेस विथ, स्लोप की स्टेबिलिटी किसके साथ चेंज होती है, क्लाइमेट, नो, इंक्रीज इन द लोड, यस, changes with increase in the load, so this is the correct answer, increase in soil, no, increase with the pavement width, no. Next, an embankment is classified as high if its height exceed, to aapko pata hai ki 5 meter correct answer hai, why, kyunki if height is less than 5 meter to low ya medium embankment hai, aur agar height 5 meter se zyada hai to हाई एम्बैंकमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल प्रॉब्लम फाउंड इन द एम्बैंकमेंट, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, सॉइल इरोजन, देखो ये सब तो प्रॉब्लम है ही, किसी भी एम्बैंकमेंट में होंगी ही, पर इनका टेक्निकल सोल्यूशन है, सेटलमेंट हटा सकते हैं अच्छा कंपैक्शन करके, फाउंडेशन की स्टेबिलिटी कर सकते हैं उसका अच्छा कंपैक्शन करके, एक्सपेंसिव सॉइल को वहां से हटा के, स्लोप की स्टेबिलिटी मजबूत की जा सकती है एम्बैकमेंट को, यानी उसका स्लोप डिजाइन करने के बाद, सॉइल डिसाइड करने के बाद कि कौन सी सॉइल है, उस सॉइल की गिवन हाइट को स्टेबल करने के लिए मिनिमम स्लोप कितना चाहिए, उसके थ्रू हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो है पर करेक्ट अभी नहीं है, वाई, क्योंकि इनका टेक्निकल सोल्यूशन है। इस सॉइल इरोजन, इसका भी सोल्यूशन है पर जनरल प्रॉब्लम है ये,
सॉइल इरोजन एक जनरल प्रॉब्लम है, सॉइल इरोड होती है एम्बेकमेंट से, ये मेन प्रॉब्लम है. सो करेक्ट आंसर इज द सॉइल इरोजन. नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एम्बेकमेंट शुड बी कैरिड आउट फॉर, किस लिए किया जाना चाहिए, ट्वाइस द हाइट ऑफ एम्बेकमेंट, दिस इज करेक्ट आंसर. थ्राइस नो, एग्जैक्ट हाइट नो, हाफ हाइट नो. द कंसोलिडेशन कैन बी अचीव्ड फास्टर बाई क्ले नो, बाई पीट नो, बाई सैंड ड्रेन्स यस, दिस इज करेक्ट आंसर, सैंड फिल्टर नो. ठीक है, नेक्स्ट, वॉट इज द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द टू सैंड बेड. सो मिनिमम स्पेसिंग इज 2.5 मीटर, मिनिमम 2.5 मीटर, मैक्सिमम 6.0 मीटर. सो दीज आर द क्राइटेरिया. नेक्स्ट, द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल फॉर एम्बेकमेंट कंस्ट्रक्शन, एम्बेकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए लिक्विड लिमिट लेस देन 70%, ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द फ्री स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ ए सॉइल शुड बी लेस देन, दिस शुड बी लेस देन 50, सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सबग्रेड शुड नॉट बी लेस देन 25, सो सी इज द करेक्ट आंसर.